जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही। नमस्ते नेचर साथियों, आज बहुत ही जबरदस्त जोरदार धमाका होने वाला है। अपने दिल को थाम के बैठिएगा। और मैं शिवकुमार विश्वकर्मा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार है। बॉलीवुड में तहलका मचाने वाले, हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाले, पूरे डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक नया मिसाल कायम करने वाले ऐसे शख्स का आज सेशन है, जिनको सुन करके हम छोटी छोटी अपनी गलतियों को सुधार करके एक बहुत बड़े अचीवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि छोटी छोटी गलतियों को सीख करके एक बड़ा विजन लेकर के हम बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं, और अपने इस विजन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमारे महागुरु फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले, डायरेक्ट सेलिंग में तहलका मचाने वाले, भारत के हर कोने में एक एक डॉक्टर नेचर का झंडा हर घर पे लगाने का मिशन लेकर के चलने वाले आज ऐसे महागुरु का सेशन मिलने का हमको मौका मिला है। तो दोस्तों, आप पेन और डायरी लेकर के बैठिएगा और आज महागुरु के सेशन को सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। ये पक्का मेरा आपसे वादा है कि अगर आप अपने जीवन में इसको उतारे, उनके बातों को फॉलो किया, तो 101% आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमेशा की तरह आज आप अलर्ट रहिएगा और आपका जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम होगा, विजन आपका क्लियर होगा और अच्छे से यहाँ पे सारी चीजों को आप समझिएगा। तो आप तैयार रहिएगा महागुरु का स्वागत करने के लिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि हम सबके महागुरु डॉक्टर नेचर वेलनेस का हर घर पे झंडा लगाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ हम लोगों को जोश जुनून देने वाले, पल पल का सहयोग देने वाले, अपने आप को समर्पित करने वाले, हम लोगों के करियर को आगे ले जाने वाले ऐसे महागुरु माननीय जेपी शर्मा, सबके तालियों के सहयोग से मैं चाहूंगा कि सर आए और अपने उस एक्सपीरियंस को
हम सबको बताएं, हमारी सारी कमियों को उजागर करें और आज तक का जो एक्सपीरियंस है छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके आज इतना बड़ा चेक जो बन रहा है, इतना बड़ा जो अचीवमेंट हो रहा है, हम सब लोग भी उस लायक बने। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सर से आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। थैंक यू शिव कुमार जी, थैंक यू। वाह क्या बात है, करीबन 300 लोग हो चुके हैं, सबको मेरा नमस्ते नेचर दिल से। अभी आप लोग गाना देख रहे थे शुरुआत में, कर मैदान फतेह हो बंदिया कर मैदान फतेह, है ना, सीन चल रहे हैं, बंदा मैदान फतेह कर लिया 5 मिनट में, वो गाना था। रियल जिंदगी में अगर मैदान फतेह करना है तो आपको डेडिकेट होके काम करना पड़ेगा, आपको जुनून जगा के काम करना पड़ेगा। आपको लोग बोलेंगे यार तू तो पागल हो गया है, डूब गया है, उस हद तक काम करना पड़ेगा, तब जाके आप एक दुनिया में बड़ी पोजीशन बनाने लायक हो जाएंगे, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। मेरा एक, कई बार मैं मैसेज भेजता हूं तो मेरी एक टैग लाइन होती है कि सफलता सफलता भीख में नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता। आज का हमारा सेशन है जो कि बहुत शानदार कंपनी ने शुरुआत की, स्तंभ के नाम से अलग अलग लीडर्स हमारे अलग अलग सेशंस ले रहे हैं। हमारा इसका मेन उद्देश्य यह है कि हमारे परिवार में, डॉक्टर नेचर परिवार में जो नए लोग जुड़े हैं उनको ये एक्टिविटीज के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप अगर एजुकेटेड होके, शिक्षा लेके, हर तरह की जानकारी लेके हमारे साथ आएंगे तो ये तय है कि आपकी जिंदगी में बैक गियर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, लोग मोटिवेट होके आ तो जाते हैं लेकिन उनको किसी शिक्षा नहीं दी जाती, उनको किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं होता है, और वो छोटी 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 गलतियां करते करते एक दिन वो बड़ी गलती करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके तो नेगेटिव हो जाते हैं या कंपनी बदल देते हैं, और ऐसा 2-4 बार बदलते हैं तो लोग उसको प्यार से बदलू राम बोलना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों की ये जो नेगेटिविटी है वो आपके साथ ना हो, हमारी डॉक्टर नेचर में जुड़ने वाले हर एक हमारे परिवार के सदस्य के साथ ऐसा ना हो, इसी उद्देश्य से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी और हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो छोटी छोटी गलतियां लोगों के जीवन में बड़ा भूल ले आती है उनसे बचा कैसे जाए ताकि वो अपना एक बड़ा पोजीशन बना सके, बड़ा मकाम हासिल कर सके। मैं आज सारा दिन प्लान में बहुत बिजी रहा, मुझे एक सेकंड भी टाइम नहीं मिला, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही सीधा प्लान प्रेजेंटेशन से उठ आके बैठ गया हूं, तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट दे सकूं। आज का हमारा जो जो शीर्षक है वो है स्किल, और वही था कि स्मॉल थिंग्स बिग अचीवमेंट, हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आज उसका पार्ट 2 है। उस पार्ट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाला हर आदमी अपने आप को लीडर बोलता है, आप देख लीजिए, अगर वो बंदा इंट्रोड्यूस भी करवाएगा तो यही बोले अरे सर ये लीडर है, ये लीडर है, आय हाय 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 सर ये धीमा का लीडर है, ओय होय होय सर ये फिमा का लीडर है, लीडर 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 लीडर। आप आज परिभाषा देखिए, हु इज लीडर, आप परिभाषा देखिए, एक नेटवर्कर होता है, एक लीडर होता है, तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड ए नेटवर्क मार्केटर। यानी एक नया नया आदमी आया है तो आप उसको लीडर बोलेंगे तो उसको भी लगेगा कि यार मैं तो बहुत कुछ हूं, जबकि उसको ABCD भी नहीं आती। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां जो है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के करियर पे बहुत भारी पड़ती है, और आगे जाके बंदा नेगेटिव हो जाता है या नेटवर्क मार्केटिंग से किक आउट हो जाता है। ऐसा ना हो, डॉक्टर नेचर का ये प्रयास है, हमारा दिल से ये प्रयास है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ हर आदमी हमारे साथ वो लंबी यात्रा तय करें जो हमने की है, हमारे साथ जुड़ा हुआ वो डॉक्टर नेचर परिवार का एक अदना सा सदस्य जो आज अभी 1 मिनट पहले भी जुड़ा है, तो वो भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना हमारी हाईएस्ट रैंक वाला लीडर मायने रखता है। क्योंकि डॉक्टर नेचर परिवार, डॉक्टर नेचर ये रिकॉर्ड बनाना चाहती है, और कंपनियों की तरह नहीं करना चाहती कि बंदा कहीं चला गया, आ गया, चला गया, हम आया राम गया राम की इस परिपाटी को तोड़ना चाहते हैं। तिवारी सर का ये बोलना है कि जो हमारे डॉक्टर नेचर परिवार में आ गया हमारा ही होकर रहना चाहिए, और वो तब होगा
जब उसको बराबर एजुकेशन मिलेगी, वो तब होगा जब उसको छोटी छोटी गलतियों का एहसास करवाया जाएगा। आप समझदार हैं, आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आप अगर उन छोटी छोटी गलतियों को अगर आप इरेजर की तरह साफ करते चले जाएंगे, तो ये तय है कि आप एक पुख्ता, बढ़िया, ईमानदार एक लीडर बन जाएंगे। तो लीडर क्या होता है और एक नॉर्मल नेटवर्कर क्या होता है, आज का सेशन उसी पे डिपेंड है। मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ अलग अंदाज में आपकी ये प्रेजेंटेशन आज आपको दिखा सकूं। आप अपना पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं और आज मुझे आप एक्सेप्ट मी एज योर कोच, आप मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन आप अपना कोच मानिए, क्योंकि मैं जेपी शर्मा बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्टर नेचर का एक सिपाही बन के बात कर रहा हूं। मैं डॉक्टर नेचर में शुरुआती दिनों से कंपनी के फाउंडर लोगों में से एक हूं, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि आप इन इन गलतियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने जो रास्ता तय किया है, यानी हमने जो रास्ता तय किया है, हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, आप भी वही रास्ता तय करेंगे। तो हमने जो सफर 3 साल में तय किया है, हो सकता है हमारे साथ जुड़ने वाला आदमी वो सफर 6 महीने में तय कर ले, वो सफर 12 महीने में तय कर ले। तो आप एज ए कोच मुझे एक्सेप्ट कीजिए, 1 घंटा, अगर मैं मेरी फिल्मी भाषा में कहूं तो मुझे 1 घंटा झेल लीजिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बी 100% एक्टिव टू बिकम अ कमांडो। आपको अगर कमांडो बनना है तो आपको 100% देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है दोस्त, मैं आज आपको बता दूं, आप 3 दिनों पहले एक न्यूज सुन रहे थे, एक फोगाट थी, रेसलर, कुश्ती लड़ने वाली, विनिशा फोगाट शायद ऐसा नाम था। मजे की बात देखिए कि दिन में तो जीती और रात को 100 ग्राम वजन बढ़ गया उसका, और वो फाइनल की कुश्ती खेलने से पहले उसको बाहर कर दिया गया। रात को 100 ग्राम वजन बढ़ गया और फाइनल कुश्ती से उसे बाहर कर दिया गया, वो मेडल से वंचित रह गई। 4 साल में एक बार ओलंपिक आता है, उस ओलंपिक की तैयारी उसने कितने युद्ध स्तर पे की, और एक छोटी सी गलती जो उसने अनजाने में की, जानबूझ के कोई गलतियां नहीं करता, जानबूझ के मूर्ख आदमी गलतियां करता है, उसका रात को वजन बढ़ गया 100 ग्राम। कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसकी 4 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। यहाँ पे भी यही होता है, एक आदमी आता है, सपने देखता है, बड़े सपने देखता है, लोगों को सुनता है, मोटिवेट होता है और अपने सपने लेके मैदान में उतरता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से, जैसे फोगाट के साथ हुआ, जाने अनजाने में 100 ग्राम वजन बढ़ गया और वो ओलंपिक की रेस से बाहर हो गई। वो फाइनल जीत जाती तो भारत के इतिहास में पहली ऐसी कुश्ती लड़ने वाली महिला होती जो गोल्ड मेडल लेके आती, जो रजत पदक लेके आती, लेकिन उस 100 ग्राम वजन से उसकी पूरे सपनों पे पानी फिर गया। आप समझिए, 4 साल की मेहनत ढेर हो गई। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर अपना जब समय दे देता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप सोचते होंगे कि आपको बिजनेस फ्री में मिलता है, हमारे लीडर लोग प्लान दिखाते हैं तो यही बोलते हैं केवाईसी दे दीजिए आपकी आईडी फ्री में लग जाएगी, लेकिन वो फ्री में नहीं लगी है दोस्त। आप अपना समय दे रहे हो, आप अपना कीमती समय दे रहे हो, समय को कभी भी मूल्य में आंका नहीं जा सकता। मैं कई बार कहता हूं, समय, समय से सेहत और से संबंध, इन तीनों का मूल्य का आकलन नहीं हो सकता, लेकिन इन तीनों के खोने के बाद हमें समझ में आता है कि ये कितने बेशकीमती थे, कितना बेशकीमती था समय हमारा जो हमने खो दिया, कितना बेशकीमती था हमारा स्वास्थ्य जो हमने अपनी गलतियों की वजह से खराब कर दिया, और कितना बेशकीमती था हमारा रिश्ता जो छोटी छोटी गलत फहमियों में आके टूट जाता है। कई बार कहते हैं ना दोस्त कि जब गलत फहमियां चरम पर हुई, बहुत छोटी सी बात है, जब गलत फहमियां चरम पर हुई तो तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा करियर तबाह हो जाता है। आज मैं उन्हीं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो पहले तो आप ये सोचिए कि अगर आप डॉक्टर नेचर में लीडर बने हैं तो क्या ये क्वालिटियां हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर ये क्वालिटी है आप में, तब आप अपने आप को लीडर बनी बनाइए, अपने आप को लीडर कहलाने के हकदार हैं। अगर आप में वो चीजें नहीं है तो आप वो चीजों को एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप अपने आप को एक लीडर बना सकते हैं। लीडर यानी लीड करने वाला। तो इन पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। बिग जर्नी बिगिनिंग विद स्मॉल स्टेप्स। रेस में दौड़ने वाला ये कभी नहीं कह सकता कि ये अंतिम कदम था जिसमें मैं जीत गया। नहीं, उस अंतिम कदम में भी, मजे की बात ये है कि दोस्त, उस अंतिम कदम में भी शुरुआती कदम का उतना ही बड़ा योगदान है जितना कि अंतिम कदम का था। तो आपकी जो जर्नी है वो पहले कदम से ही शुरू होती है। अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल नेटवर्कर एंड अ लीडर।
सामान्य नेटवर्क और लीडर के बीच में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर देखिए, आप इस तरह आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नॉर्मल नेटवर्कर एक्सक्यूज, हर बात में एक्सक्यूज करेगा। मैं नेटवर्कर की बात कर रहा हूं, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको सुधार लाना है, अब वो हर बात में एक्सक्यूज एक्सक्यूज करेगा, बोलेगा अरे सर आज कैसे निकलूं, आज तो बारिश हो रही है, अरे सर पंक्चर हो गया है, आप सर क्या बताऊं सर मेरे पड़ोसी की गाय को बच्चा हो गया है, आज कैसे निकलूं सर, अरे आज तो मेरे मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई है, अरे क्या बताऊं सर आज तो गर्मी इतनी है ना, अरे रे रे सर निकला ही नहीं जा सकता, आज तो सर इतनी बारिश हो रही है, आज तो सर इतना सर्दी पड़ रहा है। दोस्त एक्सक्यूज देने वाला कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता, मैं गारंटी करता हूं। मेरे पाँव में 1 साल का था तो पोलियो हो गया था दोस्त, अगर मैंने अपने आप को एक्सक्यूज दिया होता तो मैं आज जिंदगी में उस पोजीशन पे नहीं गया होता जो मैंने शुरुआती दिनों में तय की है। तो आज के बाद अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। आपको अगर बड़ा लीडर बनना है तो एक्सक्यूज मत दीजिए। आप लेफ्ट साइड में देखिए नॉर्मल नेटवर्कर एक्सक्यूज देता है और लीडर लीडर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर जाना है तो जाना है, गर्मी लग रही है तो गर्मी लग रही है। मैं कई बार धूप में खड़ा होता हूं तो मेरे लीडर कहते हैं अरे सर आप धूप में क्यों खड़े हैं। तो आप ये उदाहरण मेरा सुनिए, शायद आपको भी लगेगा आज के बाद आप में बदलाव आएगा। मैं कहता हूं यार कभी तुमने आईपीएल के मैच देखे हैं या वनडे 2020 देखा है, तो कहते हैं हाँ हाँ सर देखा है, विराट कोहली फला फला फला। मैं कहता हूं उनको देखा है वो गर्मी में आईपीएल के, वो भी अप्रैल मई के महीने में जहां गर्मी अपने यहाँ भारत में चरम पे होती है, वो मैदान में खड़े हैं लाखों लोगों के बीच मैदान में, छाता लेके नहीं खड़े हैं मेरे भाई, वो मैदान में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाखों रुपया मिलता है, क्योंकि उनका नाम है, लोग उनके खेल के नाम से उनको जानते हैं। तो अगर वो धूप से होते तो क्या खिलाड़ी बन गए होते? नहीं बन गए होते। तो आज के बाद अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, लेफ्ट साइड में वाले हैं आप लोग, लेकिन आपको अगर बड़ा लीडर बनना है यानी आप राइट साइड में आना चाहते हैं, तो आपको एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा। बंदा बोलेगा सर गर्मी है, बारिश हो रही है, सर सर्दी पड़ रही है, सर आज ये हो गया, सर आज वो हो गया, सर मैं कल करता हूं सर, ये एक्सक्यूज आपको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, एक्सक्यूज आपके लिए हर्डल की तरह है दोस्त। तो आज के बाद एक्सक्यूज देना बंद कर दो, नो एक्सक्यूज, साला करना है तो करना है, जाना है तो जाना है। मैं लोगों को बोलता हूं कि दोस्त एक बार कमिटमेंट कर दिया ना तो यमराज भी लेने आएगा तो जाऊंगा नहीं, ये होना चाहिए, नो एक्सक्यूज। आगे बढ़ना और आप एक्सक्यूज देते हैं, यानी आप गर्मी को दोष दे रहे हैं, सूरज को दोष दे रहे हैं, बारिश को दोष दे रहे हैं। और अगर सूरज ने, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, कितने लोग हैं? 400 के करीब लोग हैं, क्या बात है, 455 लोग हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप कायनात को बदलने की कोशिश मत कीजिए, सूरज का एक्सक्यूज मत दीजिए, चांद का एक्सक्यूज मत दीजिए, बारिश का एक्सक्यूज मत दीजिए। अगर सूरज ने एक्सक्यूज दे दिया ना, पूरी दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कुदरत को बदलने पे तुले हुए, अपने आप को नहीं बदल सकते। अरे काय का एक्सक्यूज, कामयाबी चाहिए तो एक्सक्यूज नहीं होता है, बिना एक्सक्यूज के काम करना पड़ेगा। 24 घंटे दौड़ता, मुझे कोई तिवारी जी ने कोई थोड़ी बोला है कि शर्मा जी भागिए, नहीं कोई कुछ नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा आपका अपना बिजनेस है, आपको 5 लाख कमाना है तो उसी मेहनत कीजिए, 50 लाख कमाना है तो वैसी मेहनत कीजिए, 2 करोड़ कमाना है तो वैसी मेहनत कीजिए, और एक्सक्यूज देना है तो एक्सक्यूज दीजिए। मुझे तिवारी सर ने नहीं बोला, मुझे मेरे पार्टनर ब्रजेश मौर्या जी ने नहीं बोला, मैं अपने आप का चलता हूं, कोई एक्सक्यूज नहीं, काम करना है तो करना है, रात को जागना है तो जागना है, दिन में काम करना है तो करना है, 24 घंटे भी काम करना है तो करना है, नो एक्सक्यूज दोस्त। आज के बाद एक्सक्यूज मत देना, अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको नॉर्मल नेटवर्कर की कैटेगरी से अगर लीडर में आना है तो एक्सक्यूज का चैप्टर आज के बाद खत्म कर दीजिए, या तो तय मत कीजिए, और अगर तय कर लिया है तो दोस्त उसको पूरा किए बिना छोड़िए मत, याद रखिए। ओके नेक्स्ट, नो हार्ड वर्क, आम आदमी हार्ड वर्क, नेटवर्कर जो है हार्ड वर्क करने से घबराता है, अरे सर इतना कौन करेगा, इतना क्या करेगा, अरे उसको पता ही नहीं है, नेटवर्कर को पता नहीं है वो कर रहा है हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क से डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, नोट कर लो, मेहनत आपका वो हथियार है, आपकी मेहनत आपका वो हथियार है जो आपको बहुत बड़ी पोजीशन दे देगी। तो हार्ड वर्क करने से मत घबराइए। आपको क्या लगता है, देखते हैं आप क्या लगता है, वो मतलब आए भगवान फैक्ट्री लाके दे दी, चल तारा प्रकाश काम कर, ऐसा हुआ है क्या? उस बंदे की कहानी पूछो कभी, आपको क्या लगता है ऐसे ही हो गई फैक्ट्रियां? अरे हार्ड वर्क,
आज भी तिवारी जी को मैंने देखा है, अगर फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो जाए तो बंदा जो है वो कोट उतार के बंदा मशीन ठीक करने घुस जाता है। हार्ड वर्क क्या जरूरत है, ये होना चाहिए। आपको हार्ड वर्क से घबराना नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे, नोट कर लीजिए, जितनी मेहनत करेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। जितनी मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत के हथियार के सामने दूसरे सारे हथियार बेकार हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए दोस्त। आपको घबराना नहीं है, 50 प्लान दिखाना पड़े तो दिखाइए, 10 प्लान दिखाना पड़े तो दिखाइए, अपनी टीम को वहां जाना पड़े तो जाइए, यहां जाना पड़े तो जाइए। आपको हार्ड वर्क से घबराना नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क आपका वो हथियार है, आपकी मेहनत आपका वो हथियार है जो हर किसी के पास नहीं है। आज मैं सारा दिन से कम मैंने कोई 500 प्लान किए होंगे, तो मुझे जिसने बुलाया बोला, अरे सर आप थके नहीं? मैंने कहा काहे को थके, क्यों थके? अरे आयुर्वेद का सेवन करते हैं, डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट लेते हैं, थकान किस बात की? जिस दिन थकूंगा उस दिन 4 आदमी उठा के लेके जाएंगे, उस दिन थकूंगा, अदरवाइज 24 घंटा मैं दौड़ने को तैयार हूं, अगर आप में दम है तो। तो प्लीज आपको अगर एक नॉर्मल नेटवर्क, असाधारण नेटवर्कर बनना है, लीडर बनना है, तो आप हार्ड वर्क करना मत छोड़िए, क्योंकि हार्ड वर्क आपको उस लेवल पे ले जाएगा जिस पोजीशन पे आपने कभी सोचा नहीं होगा। नेक्स्ट, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। ये छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं दोस्त। सपने देखने से डरना, एक आम आदमी सपने देखने से डरता है दोस्त, मैं गारंटी करता हूं। कोई ऐसा आदमी है, अगर उसको सपना आ जाए कि वो नींद में विदेश गया है, भाई गॉड, वो ऐसे उठेगा। घर में अगर बीवी बगल में सोई है या बच्चे सोए हैं, माँ बाप सोए हैं, तो बोलेंगे अरे क्या हुआ, इतना डर क्यों कर? अरे अरे मैंने सपना देखा, मैं अमेरिका चला गया। अरे डरने की क्या बात है यार, आम आदमी को अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल तक जाने का सपना देखने में पसीना आ जाता है, उसको विश्वास ही नहीं है कि वो वहां जा सकता है, सपने देख सकता है। आम आदमी अगर कार का फोटो देख लेगा तो दूसरे दिन बोलेगा यार साला कार का फोटो देख लिया यार, क्यों क्यों डरते हैं? अरे नेटवर्कर ड्रीमर होता है। आपको अगर साधारण नेटवर्कर से लीडर बनना है तो ड्रीम देखिए, सपना देखिए दोस्त, सपनों से बहुत कुछ किया जा सकता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सपना देखिए, आप जब सो के उठते हैं सपना देख के, तो आपके पास दो चीज होती है, या तो जो सपना देखा है उसको भूल जाओ फिर सो जाओ, और या सपना देखा है उसको पूरा करने के। दोस्त सपना वो नहीं होता जो रात को नींद में आता है, मेरी नजर में सपना वो नहीं है जो रात को नींद में आता है, सपना तो वो है जो आपको सोने भी नहीं देता है मेरे भाई। आप खुली आंखों से सपना देखो, आप सपना देखो मैं कार ले सकता हूं, आपको क्या डर है? कह रहे यार नहीं आए तो कोई बात नहीं यार, सपना तो देखा, तो डेयर टू ड्रीम, सपना देखिए। मैं गांव का एक छोटा सा आदमी, मेरी भाषा ठीक नहीं थी, मैं तो ठीक चल नहीं पाता था, मैंने सपना देखा टीवी सीरियल में जाना है, मैंने सपना देखा बड़े पर्दे पे जाना है, मैं आया, मैं टेलीविजन की दुनिया में आया। आप सब जानते होंगे मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने सपना देखा, उस सपने का लोगों ने मजाक उड़ाया। आपका भी सपने का लोग मजाक उड़ाएंगे, आप बोलेगा ना भाई 5 साल में डॉक्टर नेचर में काम करके मर्सिडीज लेने वाला हूं, तो आपके साथी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप उस मजाक को सुन के घबराइए मत, अरे वो मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो आपको बूस्टर दे रहे हैं, बूस्टर। वो जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, एक दिन उन्हीं के सामने लाके कार खड़ी कर देना, उन्हीं के सामने मर्सिडीज लाके खड़ी कर देना, बोलना ये देख 5 साल पहले सपना देखा था साले, आज पूरा किया मैंने, तो आएगा मजा। इसको बोलते हैं डेयर टू ड्रीम, सपना देखना। हमने सपना देखा है, मैं आपको बता दूं हमारा सपना क्या है, तिवारी सर को बोला हुआ है, क्राउन फैक्ट्री का पे आउट हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पे आउट होगा, आज तक का इतना बड़ा पे आउट किसी का नहीं होगा, ये मेरा ड्रीम है, ये हमारी क्राउन फैक्ट्री का ड्रीम है। और तिवारी सर को बोला हुआ है कि सर 1,000 लोग 5 लाख का पे आउट लेंगे, तब तक तो यमराज भी लेने आएगा तो जाऊंगा नहीं है। लोग मजाक ही तो उड़ाएंगे, अरे मजाक तो वैसे भी उड़ाते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, सपना देखा है। अगर तिवारी सर को बोला 1,000 लोग 5 लाख का पे आउट लेंगे, अगर मैं बोलता हूँ 900 भी, अगर एक पांच पांच लाख का पे आउट 900 लोग भी अगर लेते हैं, तो सपना तो अरे साला कोशिश तो की ना वहां तक पहुंचने की। तो डेयर टू ड्रीम, सपने देख बंद मत करना, और अपने सपनों को लिख के रखो ऐसी जगह जहां डेली नजर पड़ती हो। अपना सपना अपने बच्चों को बता के रखो, बेटा तेरे को मैं 2027 में मर्सिडीज में घुमाने वाला हूं। आप सपना भूल जाओगे तो आपका बच्चा याद दिलाएगा, पापा मर्सिडीज याद है ना, सपना। तो आप सपने देखने से डरो मत दोस्त, सपने खुली आंखों से देखो और उनको पूरा करो। नेटवर्क मार्केटिंग वो धंधा है जो आपके अपने सपनों को पूरा करने की आपको शक्ति देता है, आपको ताकत देता है। इट इज डिफिकल्ट राइट नाउ,
अभी तो बहुत मुश्किल है। नॉर्मल नेटवर्कर क्या बोलता है, अरे यार सर अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं कैसे करूं? क्या क्या मुश्किल है? अरे बाप रे, नेटवर्क लीडर कौन है? रेडी टू ऑल टाइम, रेडी टू ऑल द टाइम, मैं हर वक्त तैयार हूं। मुझे कोई बोले, आज मुझे बोले सर वहां पहुंचना है, मैं पहुंच जाता हूं। मैं बोलता हूं मेरे लीडरों को, मेरे जुड़े हुए लोगों को, मैं बोलता हूं हिंदुस्तान के किस कोने में जाना है दिखाओ, उसको तराशने का काम मैं करूंगा। वो होता है लीडर, जो हीरे को तराशने का काम करता है, उसको छोटी छोटी गलतियां बताना शुरू करता है, वो लीडर होता है। यार आप पहले नेटवर्कर से लीडर बनने के लिए गुण पैदा कीजिए, मैं गारंटी करता हूं हमने तो इतना बड़ा सपना देखा है, आप शायद हमसे भी बड़ा सपना देखें, आप शायद दुनिया का सबसे बड़ा पे आउट ले जाए। पे आउट के लिए टेंशन मत लीजिएगा, तारा प्रकाश तिवारी जी का एक ड्रीम है कि मेरी कंपनी में काम करने वाला आदमी एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर बन चाहिए। तो आप उस दौड़ में कहां तक हैं वो आप शामिल कीजिए अपने आप को। तो आज के बाद ये मत बोलिए अभी तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? आप जो जिंदगी जी रहे हो वो मुश्किल है। अरे यहाँ की जिंदगी मुश्किल नहीं है, आपको सपना देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, उनको कन्वर्ट करना मुश्किल काम। आप अगर आंखों से सपना देख रहे हैं तो उसको, अरे सर आ जाता हूं, मरे हुए की खबर लाता है। क्यों? हमको कोई बोले सर, ने तिवारी सर को बोला था कि सर अगली एनिवर्सरी में ब्लैक डायमंड अपना लिया हुआ है उसको पूरा। तो आप, मैं किसी को कईयों को बोलता हूँ गोल्ड, इस महीने गोल्ड मार रहे हैं, सर देखते हैं तो मुश्किल है। ऊपर वाला तुरंत, तू बेटा अभी तो मुश्किल है तो तथास्तु, लेकिन सर गोल्ड रूबी मारूंगा, लेकिन हवा वाला नहीं, हवा में नहीं। कई प्रकार बोलते हैं, ए नहीं होता है भैया, यहाँ सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी ब्रजेश जी? ब्रजेश जी आवाज आ रही है? जी 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 सर आ जी रही सर है। जी सर आने लगी। हेलो, हेलो, आ रही है सर, आ रही है। अभी बच्चे की फिल्म आई है कल की 2898। बच्चन साहब को मेकअप करने में, 81 ईयर ओल्ड आदमी है, मेकअप करने में 3 घंटा लगता था, 3 से 5 घंटा मेकअप करने में, उतने में 1 घंटा था। लेकिन जब भी उसको डायरेक्टर बोलता तो बच्चन साहब बोलते यस आई एम रेडी। बात है यार, ये होना चाहिए। बच्चन साहब जो स्टार, सर आवाज आ रही है? जेपी जी आप सुन पा रहे हैं? जेपी जी कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से मीटिंग में कते आ रही हैं, तो आप आवाज आ लोग रही धैर्य बना के रखें। है? आवाज, बिल्कुल आ सर, गई कुछ सर आवाज आ गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आएगी कहाँ सर, जाएगी कहाँ? आवाज अपनी है, आएगी, लौट के फिजा में गूंजेगी, आएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो वॉइस, क्या बात है? सूरत में आवाज नहीं आ रही मेरी, क्या बात है? और कहीं से कोई बता सकता है आवाज आ रही है? नहीं, अभी पूरे हिंदुस्तान में आ रही है। ओ थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, आप भी हैं, क्या बात है। थैंक यू सर। ओके तो आगे चलते हैं, अभी तो मुश्किल है, आप अभी नहीं बोल रहे।
आपको जेपी सर, जेपी सर, आपको रहना है। जेपी सर, आज हमको सर यस सर जेपी सर, क्या हुआ ब्रजेश जी? आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क की इशू है थोड़ा। हेलो, हाँ वीडियो को ऑफ रखिए सर। अभी जेपी सर, ओके, अभी ठीक है? हाँ हाँ वीडियो को ऑफ रखिए। अभी हाँ अभी सर ठीक है। वीडियो ऑफ है मेरा? हाँ अभी ठीक है सर, हैं ठीक है, अभी ठीक है, बस सही आ रहा है जी सर, कंटिन्यू सही आ रहा है। आवाज आ रही है? बिल्कुल अभी आ रही है सर, आ रही है। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके नेक्स्ट, मैं वीडियो ऑफ कर दिया मैंने, ब्रजेश जी नेक्स्ट आगे चलिए। ओके थैंक यू। व्हाट विल पीपल से, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई, बड़ी खतरनाक बीमारी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आपको पता ही नहीं है, लोग तो वैसे भी बहुत कुछ कहते हैं आपके बारे में, जाने दीजिए, इसके विषय में सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग वही हैं, आप अगर कामयाब हो जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या बात है, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो लोग कहेंगे हम तो पहले से ही जानते हैं आपके बारे में, लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दीजिए, आप इस चक्कर में मत पड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप ये सोचिए कि आप ऐसा कुछ करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचें। Yes, no fear to anyone. मुझे कोई डर नहीं था, मैं जब निकला था तब लोग बोलते थे इनको देखो ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने चले, न शक्ल न सूरत न कोई का चाल चलन, क्या बात है, लेकिन प्रूव किया, प्रूव किया। तिवारी सर जॉब छोड़ के आए, वो भी ऑफिसर क्लास नौकरी, प्रूव किया उन्होंने। दोस्त आपको करना पड़ेगा, आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लोग क्या कहेंगे, अरे बड़ा खूबसूरत गाना है, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जाने दो ना यार, लोग क्या कहेंगे छोड़िए, आपका दिल क्या कहता है इसको मान, आपका दिल कहता है कि निकल उड़ान भर तो भरिए उड़ान। दोस्त इसके लिए आप लोगों के डर से अपने सपनों को, जिनको आपने देखा है उसको छोड़ना मत, उस मिशन को कभी मत छोड़ना, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं हो सकता। अगर आपको लीडर बनना है तो इस शब्द को तो आज ही दिल से कुरेद के चाकू से निकाल के फेंक दीजिए, नहीं हो सकता, ये जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हाउ विल इट नॉट बी, आप अगर लीडर है तो आप बोलेंगे कैसे नहीं हो सकता, नोट कर लीजिए बात दोस्त। एक आम नेटवर्कर बोलेगा यार नहीं हो सकता, अगर किसी को बोले डायमंड, डायमंड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आप ये सोचिए क्यों नहीं हो सकता। और अगर मैं नहीं करूंगा कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, आप इस बात को ध्यान रखिए दोस्त, मैं गारंटी करता हूं आपको बहुत बड़ा संबल देगा इधर से, पॉजिटिव एटीट्यूड है ये, छोटी छोटी बातें हैं, आप में स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, और माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, हालात के चलते सीखता है, आप इस बात का आप ध्यान दीजिए, आज के बाद नहीं होता शब्द को निकाल दीजिए, मैं गारंटी करता हूं दोस्त। मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, मैंने 7000 की फिट की ऊंचाई से छलांग मारी, 7000 फिट की ऊंचाई से छलांग मारी, सब लोग कह रहे थे अरे तू कर लेगा क्या, मैंने कहा अरे बावले मेरे अलावा कौन कर लेगा, कोई नहीं कर सकता। तो आप ये शब्द डिक्शनरी से निकाल दीजिए कि नॉट कैन बी पॉसिबल, यस हाउ विल इट नॉट बी, आप कैसे नहीं हो सकता उस पर विचार कीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आप ये जिंदगी में अगर लीडर बनना है तो ये शब्द को निकाल दीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग इट ओके। जो कहते हैं कई लोग क्या बोलते हैं, कई नेटवर्कर क्या बोलते हैं, अरे सर ठीक है आ रहा है 20,000, तो 20,000 के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो मेरे लिए जो 10-20 हजार के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं ना दोस्त, मेरे लिए वो अपराधी हैं, अपराधी टेररिस्ट हैं, वो लोग आतंकवादी हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग जैसी शानदार जगह पे आके, डॉक्टर नेचर जैसे शानदार प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हैं सर बस इतना तो बहुत है, बाय गॉड बोलता हूं भगवान भी माफ नहीं करेगा दोस्त। अरे कैसे एक 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 लीडर कभी सेटिस्फाई नहीं होता, हम अपनी कामयाबी से कभी सेटिस्फाई नहीं है, तिवारी सर अपनी कामयाबी से कहीं सेटिस्फाई नहीं है, बच्चन साहब अपनी कामयाबी से कहीं सेटिस्फाई नहीं है, लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। यस और आपको इसी बात पे ध्यान रखना है।
मिल गया वो ठीक है, आप इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए हैं, आप डॉक्टर नेचर में अगर आए हैं तो आपका ये शब्द होना ही नहीं चाहिए कि जो मिल गया वो ठीक है। आपको तो ये बोलना चाहिए कि अरे अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पता नहीं कितना कितना मिलने वाला है, आप आगे बढ़ते जाइए, डॉक्टर नेचर के दरवाजे खोलते जाइए और देखिए आप किस पोजिशन पे जाके खड़े हो जाते हैं। एक अगला शब्द है जिम्मेदारी से डरना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अफ्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आदमी, मैंने कई नेटवर्कर लोगों को देखा है जो जिम्मेदारी से डरते हैं, अगर उनको बोलते हैं कि ये चार लोग हैं इनको प्लान दिखाओ, अरे सर क्यों, आपका बिजनेस नहीं है, आपने प्लान दिखाना नहीं सीखा तो फिर काय को आए आप नेटवर्क मार्केटिंग में। किसी को बोलते हैं कि यार इसकी ये प्रॉब्लम, इसको लॉग इन कराना सिखाओ, इसकी ये प्रॉब्लम है, आप केवाईसी में फोन करो, केवाईसी में पता लगाओ इसको क्या प्रॉब्लम हुई। अरे सर आप फोन कर लीजिए ना, क्यों भाई मैं ही कर लूं सब कुछ, फिर आप लीडर कब बनोगे। आज आप बोल रहे हो सर आप कर लीजिए, फिर आप कल बोलोगे सर झाड़ू लगाने आइए मेरे घर पे, फिर आप बोलोगे सर पानी भी भर दीजिए, आटा भी लगा दीजिए, रोटी भी बेल दीजिए, हमको खिला भी दीजिए, वही काम करेगा बंदा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। आपको करना है, जिम्मेदारी से जो डर गया समझ लो वो मर गया। मरने का मतलब डेथ से नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग से। तो जिम्मेदारी लेना सीखिए, आपको हर काम आना चाहिए, आपको कंपनी की वेबसाइट विजिट कीजिए, मैंने बार बार पिछले बार में भी ये बताया था, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लॉगिन कैसे करना है, फ्रेंचाइजियों के नंबर कैसे हैं, आप कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है कंपनी ने सारे डिपार्टमेंट के नंबर आपको दिए हुए हैं, आप कब आगे बढ़ोगे, जब आप इन छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना शुरू करोगे तब आगे बढ़ोगे दोस्त। और आप लीडर क्या होता है, लीडर वो होता है जो हर बात की जिम्मेदारी लेता है। बाय गॉड बोलता हूं, कोई भी जिम्मेदारी हो, एक छोटा सा सेंटेंस बोलता हूं इसको नोट कर लेना, नोट नहीं करना दिल में बिठा लेना दोस्त, जिम्मेदारी वो टॉनिक है, जिम्मेदारी वो टॉनिक है जो एक बार अगर आपने पी लिया तो आपको कभी जिंदगी में थकने नहीं देगा। जिम्मेदारी वो टॉनिक है मेरे यार जो एक बार आपने गले के नीचे उतार लिया अमृत की तरह तो आपको कभी बैठने नहीं देगा। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तिवारी सर अक्सर क्या बोलते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदुस्तान में बेरोजगारी दूर करना, बोलते हैं ना, हम भी तो उसी मिशन पे लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है वो मिशन खाली बोलने से पूरा हो जाएगा, उस मिशन के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। तो आप अगर नेटवर्कर हैं और आपको लीडर बनना है तो नेटवर्कर के नाते जिम्मेदारी लेने से जो घबराने की आदत है उसको दूर कर दीजिए, आप लीडर बनिए, आप जिम्मेदारियों को आगे बढ़ के लेना शुरू कीजिए। यस सर आई एम हियर, मुझे दीजिए जिम्मेदारी, ये होता है एक लीडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराता नहीं है। नेक्स्ट, आगे के पॉइंट पे चलते हैं। यस यस, क्या बात है, एक नॉर्मल नेटवर्कर क्या करेगा मालूम है, साधारण काम करेगा, सिंपल काम करेगा। सिंपल काम कैसा, जैसे उसको बोलेंगे कि तू क्या ये किसी को प्लान दिखाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं सर आप दिखाइए मैं बात कर लूंगा, क्यों भाई। एक काम करेगा, इसका बिलिंग करवाएगा, सर आप थोड़ा कैलकुलेशन कर दीजिए ना, बाद में मैं फाइनल कर दूंगा, क्यों भाई क्यों, आप छोटी छोटी चीजों से घबरा रहे हैं तो आप बड़ा काम कैसे करोगे। मुश्किल काम को आसान करना लीडर की क्वालिटी होती है, लीडर हमेशा मुश्किल काम को ढूंढेगा, यस मुझे नहीं आता ना मैं करके रहूंगा। अरे हम सब भी जो है माँ के पेट से नहीं सीखे भाई, ये आज तो आपके पास सारे नंबर हैं, सब कुछ है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सर बहुत सारी चीजें थी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक प्रोडक्ट बुक और हमारा प्लान बुक छपा तब तक हम लोगों ने वेबसाइट से प्रिंट आउट ले लेके लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। आप सिंपल काम मत ढूंढिए, आप मुश्किल काम को आसान कैसे करोगे इसको ढूंढिए और यही अपनी टीम में डेवलप कीजिए कि बेटा ये सिंपल काम नहीं है, ये छोटी छोटी गलतियां तुझे बोझ बन के तुझे पीछे घसीट देगी, इनको निकाल तो इनसे मुक्ति पा और ये आगे नीचे डुप्लीकेट कर, ये सब आप डुप्लीकेट करोगे तब आपका काम आगे बढ़ेगा। There's not the much life. कई लोग क्या बोलते हैं, मैं देखिए बहुत गहरा सेंटेंस है दोस्त, कई लोग बोलते हैं अरे यार इतनी सी तो जिंदगी है, क्या नेटवर्कर आ तो जाते हैं, उनको बोलो ये करो वो करो, आपको डायमंड बनना है, आपको ये करना है, आपको प्लान दिखाना है, आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, हमारा क्लासेस चल रहा है, आप आइए, अरे इतनी सी तो जिंदगी है क्या करेंगे। मैं गारंटी करता हूं भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा दोस्त, भगवान बोलेगा जा वापस जा, तू तेरे को इतना अच्छा मौका मिला और तू बोल दिया इतनी जिंदगी है ही नहीं, क्या क्या करूंगा। आप अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप तिवारी सर को देखिए, आपको क्या लगता है वो एज ए नेटवर्कर भी काम कर रहे हैं, एज ए एमडी भी काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनियों को बना के भी दे रहे हैं, विदेशों में भी माल पहुंचा रहे हैं, आपको क्या लगता है
आपको जहां भारत में दिन है तो कहां वहां कहीं रात है, और यहां कहीं रात है तो वहां दिन है। अब उनको मतलब नहीं है, उनको यहाँ रात का 2 बजे है ना, वहां तो दिन है ना भाई, वो कॉल कर देगा हाय मिस्टर तिवारी हाउ आर यू। अब तिवारी जी उसको क्या बोलेंगे, नो 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 आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, तो बोलेगा ओके थैंक यू नेक्स्ट। दोस्त ये नहीं होता है, आप ध्यान रख लीजिए, आपको नोट कर लीजिए बात, कि आप ये बोलेंगे ना कि यार अब इतनी सी जिंदगी में क्या क्या करूंगा। आप अगर लीडर हैं तो आप ये बोलिए कि इतनी सी जिंदगी में मैं वो सब कुछ करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये होता है लीडर, मैं इतनी सी जिंदगी में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दूंगा कि भगवान भी बोलेगा क्या बात है मेरे यारा, मजा आ गया तुझे नीचे भेज के। ये होता है काम। तो आज के बाद ये बिल्कुल मतलब यार इतनी सी, अरे जिंदगी दी हो मैंने बहुत कुछ करने के लिए, इतनी सी जिंदगी नहीं है सर क्या करूंगा, छोटी सी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे खत्म तो वैसे ही हो जाएगी। मैं अक्सर बोलता हूँ जिंदगी एक जलती हुई सिगरेट की तरह है, उसके हर कश का आनंद लोगे तो अच्छा है, नहीं तो सुलग तो चुकी है, खत्म तो वैसे भी हो जाएगी। तो प्लीज आप एक बात ध्यान रखिए, इस छोटी सी जिंदगी में आप कितना बड़ा बड़ा बवाल खड़ा करके जा सकते हैं। जैसे राजीव दीक्षित जी, छोटी सी जिंदगी में वो आज लाखों लोगों में चले गए, लाखों लोगों के दिलों में समा गए। जैसे भगत सिंह, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे सुभाष चंद्र बोस, क्या बात है यार, ये होता है काम। तो आप ये बोलिए कि इस जिंदगी में मैं इतना बड़ा काम करके जाऊंगा कि लोग मेरे जाने के बाद मेरी गाथा लिखेंगे कि एक ऐसा आदमी था और उसने ऐसा ऐसा कांड कर दिया। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, तभी आप लीडर की श्रेणी में आएंगे, नहीं तो आप लीडर की श्रेणी में नहीं आएंगे। अलोन, कई लोग बोलते हैं अरे क्या करें सर हम तो अकेले हैं। तो भाई कौन सा तू 2-4 आदमियों के साथ आया था धरती पे, अकेले तो आया था मेरे भाई, अकेले ही हैं। मेरा ये डायलॉग नोट कर लीजिए, डायलॉग नोट कर लीजिए। कई लोग कहते हैं मैं क्या करूं मैं अकेला हूं, मेरे इस डायलॉग को इसमें लीजिए, कान में मत लीजिए। कई लोग कहते हैं मैं क्या करूं मैं अकेला हूं, और कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं अकेला ही काफी हूं। कई लोग कहते हैं मैं क्या करूं मैं अकेला हूं, और कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं अकेला ही काफी हूं। आपके सामने तारा प्रकाश तिवारी जी उदाहरण है, आपके सामने बड़े बड़े भारत के दिग्गज लोग उदाहरण है, आपके सामने बड़े बड़े नेटवर्कर लोग इसका उदाहरण है जो कहते हैं अकेला तो बहुत है रे बाबा, क्योंकि इस दुनिया में अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा, इसके बीच की जो जर्नी है ना उसमें कोहराम मचा के जाऊंगा। ये होता है। तो आज के बाद ये बिल्कुल मत बोलिए आप अकेले। और एक और बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग तो अकेले का बिजनेस ही नहीं है, दूर तक वो चलता है जो अकेला चलता है। नोट कर लीजिए इस लाइन को, टैग लाइन है, दूर तक वो चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन लंबी दूरी तक वो चलता है जो कईयों को साथ लेके चलता है। ये होता है सर। इसके लिए आप अकेले नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ी टीम है। माफी चाहूंगा एक मिनट। तो आज के बाद ये थिंक देना बंद कर दीजिए कि मैं अकेला हूं। आप ये सोचिए कि भगवान ने मुझे चुना है अकेले को, दुनिया का भला करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है, अकेले को इस दुनिया में स्वास्थ्य की क्रांति लाने के लिए भगवान ने मुझे चुना है, अकेले को कई लाखों लोगों का सपना पूरा करने के लिए। अगर आप ये करेंगे ना दोस्त, तो आप लीडर कहलाएंगे, नहीं तो आप वही चले जाएंगे जो एक नॉर्मल नेटवर्कर होता है। दिस इज एनफ। कई लोग कहते हैं इतना बहुत है यार, अरे बहुत है, 50,000 आ रहा ना, बहुत, बस 50,000 बहुत, 10,000 बहुत, लाख 2 लाख बहुत, 5 लाख बहुत, 10 लाख बहुत, 10,000 की टीम बहुत। अरे मेरे बाबा, कोरोना जैसा आइटम छुपा हुआ है, बाहर निकलेगा तो सुपड़ा साफ करेगा। बात कभी नहीं बोलना है, यही बोलना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्त, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूं। तो जितना कम करो, जितना करोगे उतना कम माना जाएगा, यही होना चाहिए। आज मुझे देखिए, मैं कम से कम 13, मुझे कितना टाइम हो गया निकले हुए। मुझे लोग बोलते हैं घर नहीं जाते, आप हंसोगे, अभी मैंने सर को बताया तो सर हंसने लगे। मैं अभी 1.5-2 महीने के बाद घर गया तो मेरी वाइफ ने मजाक में कहा भाई साहब आप कौन, 1.5-2 महीने के बाद। तो मैंने भी कहा मेरी वाइफ को, मैंने कहा बहन जी लगता है कहीं देखा है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम में आनंद ले रहा हूं, कौन क्या बोलता है, तेल लेने गया दोस्त। मिशन कभी भी साधारण काम से पूरा होता है, मिशन असाधारण मेहनत से पूरा होता है। मिशन आपको असाधारण काम करने जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। तो दिस इज इनफ।
इतना बहुत है, ये शब्द मत लाना कभी भी। उल्टी का ये बोलना कि यार जितना करूंगा उतना कम है, यही आपको प्रेरणा देगा, यही आपको ऊर्जा देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलते हैं, ज्यादा पॉइंट अब नहीं बचे हैं और इसके बाद में हमारे तिवारी सर आज मीटिंग में, तो थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। ऑर्डिनरी थिंग्स, साधारण सोच कभी मत लाना। मैं साधारण सोच का आदमी था, मैं गांव का लड़का था, गांव में छोटी छोटी सोच वाले लोग होते हैं। मैं जब रामानंद सागर साहब से मिला तो मुझे उनकी बड़ी सोच का अंदाजा लगा। उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उन्होंने कहा, जेपी बेटा, अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में तो अपने से बड़ी सोच वाले के साथ बैठना उठना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने से बड़े विचार वालों के साथ उठना बैठना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने से आगे जा रहे लोगों को फॉलो करना, अपने से छोटे सोच वाले छोटे विचार वाले लोगों के साथ बैठोगे तो वो तुम्हारे विचारों को छोटा कर देंगे, और अपने से बड़ी सोच बड़े विचार वालों के साथ बैठोगे तो आपको बड़े लेवल पे ले जाएंगे। तारा प्रकाश तिवारी जी इसका एग्जाम्पल है। राजीव दीक्षित जी के संपर्क में आए, उनसे बातचीत हुई और तारा प्रकाश तिवारी जी का विजन बदल गया जिंदगी में, वो कई बार बता चुके हैं। तो वैसे ही दोस्त, अगर आपको ऑर्डिनरी थिंकिंग वाले, अगर आपको अंधों में काणा राजा अगर ऐसा रहना है तो छोटी सोच वालों के साथ बैठो, क्योंकि उनकी सोच है नहीं और उसमें आप खुश रहोगे, अरे मैं कितना इंटेलिजेंट हूं यार, क्या बात है यार। लेकिन अगर आप अपने से बड़ी सोच वालों से टकराओगे ना, आज मैं जब प्लान दिखाता हूं तो मुझसे कई बार बड़े तगड़े लीडर मिलते हैं जिनको बहुत अनुभव होता है, उनसे भी मैंने प्लान में बहुत कुछ सीखा है क्योंकि उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव है जो आपको काम आएगा। तो आज के बाद अगर आपको साधारण नेटवर्कर बनना है तो ऑर्डिनरी सोच रखिए, लेकिन अगर आपको लीडर बनना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच अपने अंदर पैदा कीजिए। आपको बड़े लोगों से बात करना है, बड़ी सोच वाले से बात करना है, बड़े विचार वालों से बात करना है, बड़े सपने देखने वालों से बात करना है तो आपकी जिंदगी में सब काम बड़ा होगा। नेगेटिव थिंकिंग, बाप रे बाप, ये बड़ा खतरनाक रोग है भाई, नेगेटिव थिंकिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं प्लान दिखा रहा था, मेरा मोबाइल गिरा। मोबाइल जैसे ही गिरा तो मैंने कहा नया आएगा, मोबाइल भी जोरदार गिरा, मैंने कहा नया आएगा। तो एक 10-12 लोग बैठे थे तो एक आदमी ने कहा, सर हम सब गिरा दें। मैंने कहा बिल्कुल गिरा दो, लेकिन ये सोचना नया आएगा, नया आएगा नहीं तो नया लाना है तो ही गिराना, नहीं तो मत गिराना। हम लोग क्या करते हैं छोटी छोटी बातों पे, अरे सर बताइए ये कैसे होगा, सर मुझे लगता है कि उसने तो वो नौकरी छोड़ेगा तो वो कैसे करेगा। अरे यार छोड़ना भाई, आप वो मतलब मरा नहीं जो रोता हुआ जाएगा मरे हुए के आएगा, नोट कर लेना। तो अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली, नेगेटिव थिंकिंग तो दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए दोस्त। नेगेटिव अगर आपके पास में कोई चीज नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप लीडर बन गए। आप नॉर्मल नेटवर्कर से लीडर बन जाएंगे। आपको लग्जरी मकान चाहिए, आपको फार्म हाउस चाहिए, आपको बंगलो चाहिए, तो आपको अपनी नेगेटिव सोच को साइड में करना पड़ेगा। मेरा ड्रीम है, मैं तिवारी सर के फादर से मिला, मैं वैद्य श्री रामचरण तिवारी सर से मिला तो वो 350 गायों की गौशाला चलाते हैं। तिवारी सर ने जब मुझे बताया तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा ड्रीम है, मैं गाय के लिए गौशाला बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको देखा कि क्या बात है, ये 350 गायों की गौशाला, यहाँ तो दोस्त ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको, तो मैंने भी ड्रीम लिया हुआ है कि मैं गाय की गौशाला बनाना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है। आज मैं सार्वजनिक मंच पे ऐलान कर रहा हूँ और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए रात दिन भाग रहा हूँ और इस ड्रीम को पूरा किए बिना मरूंगा भी नहीं। यमराज भी लेने आएगा तो बोलूंगा प्रभु कुछ दिन यहीं रहिए, मेरी गौशाला देखिए, फिर साथ में चलेंगे। तो आज के बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहो भाई। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्त, मैं नेगेटिव आदमी से तुरंत दूर चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ भैया नेगेटिव लोग कौन होते हैं, मैं बता दूं, नेगेटिव लोग कहते हैं हम तो डूबेंगे, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे लोगों के साथ कभी मत बैठो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ बैठो, हमेशा जो सकारात्मक सोच रखता है उसके साथ बात करो, उसके साथ उठना बैठना शुरू करो, आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। क्योंकि नेगेटिव आदमी जिंदगी में गर्त में गड्ढे में ले जाने के अलावा कुछ नहीं देता। तो नेगेटिव सोच वालों से आज के बाद दूर रहना शुरू कर दो, चाहे घर में भी क्यों ना हो, लिमिट बात करो, बोलो भाई देख तू नेगेटिव सोचता है, मेरा काम दूसरा है। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर वही मेरा एक शब्द है नॉर्मल नेटवर्कर के लिए, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। एक नॉर्मल आदमी गलती पे गलती करता। मैं एक छोटा सा जोक सुनाता हूं, आपको हंसी आएगी। एक आदमी सज धज के तैयार होके निकला और वो जैसे ही घर से बाहर निकला फिसल गया तो देखा किस पे फिसला, केले के छिलके पे। कपड़े गंदे हो गए, पार्टी में जाना था, फिर भाग के अंदर गया,
फिर अंदर गया, फिर कपड़े चेंज किए और जल्दबाजी में मस्त एकदम इत्र वित्र डाला, फिर बाहर निकला, फिर से फिसल गया, फिर से फिसल गया। तो अब वो केले का छिलका था, फिर देखा यार क्या करूं, तीसरी बार फिर गया, फटाफट तैयार, पार्टी में लेट हो रहा था, भाग भाग निकला, फिर से गिरा, एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा था, फिर से गिरा तो कपड़े खराब हो गए, बोला अरे यार अब क्या करूं। तो आदमी बोला भाई तू बार बार इसी केले के छिलके के गिर रहा है ना, तो मुझे लग रहा है एक्चुअली तुझे गिरने में मजा आ रहा है, तू जानबूझ के नहीं गिर रहा है। तो दोस्त अगर आप मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक के ऊपर आपका अपलाइन आपको बोलता है ऐसा मत कर यार, ऐसा करेगा तो ठीक नहीं रहेगा, फिर भी आप बोलते नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा, आपका अपलाइन बोलता है अरे मेरे भाई दूसरे माले से लिफ्ट लगी है, लिफ्ट का बटन दबा नीचे उतर, लेकिन कोई बंदा क्या बोलता है नहीं नहीं मैं तो जंप करूंगा, कूद खिड़की से, टांग टूटेगी तो समझ में आएगा। तो मिस्टेक के बाद मिस्टेक मत करो, अगर आपका अपलाइन, आपका अपलाइन एक शब्द मात्र है, आपके साथ जुड़ा हुआ आदमी अगर आपको गाइड कर रहा है दोस्त, तो आप बार बार वो मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि बार बार गलती करोगे तो गलती आपकी आदत बन जाएगी और खराब आदत खराब ही परिणाम देती है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है, लर्न लेसन फ्रॉम मिस्टेक, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। इस दुनिया में कौन ऐसा आदमी जिसने गलती नहीं की, आपको क्या लगता है कोई है ऐसा सर्वगुण संपन्न, आज तक कोई नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसने गलती की हो। और समझदार आदमियों ने, लीडर वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करता है, और नॉर्मल आदमी गलती पे गलती करता है। तो आज के बाद आप बार बार वो गलती मत कीजिए जो आपको पीछे धकेलने का काम कर रही है, आप अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ने का काम कीजिए। इससे पहले आप अगर किसी दूसरी MLM कंपनी में थे और आप सोच के आए कि मुझे डॉक्टर नेचर में बड़ा काम करना है, तो वो गलती मत कीजिए जो आपने पिछली कंपनी में की थी। आप उन पिछली कंपनी की गलतियों को सुधारते हुए यहाँ पे आपको एक बड़ा पॉजिटिव सोच के साथ काम करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगली है वन हु थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा, आप अपने लिए मत सोचिए प्लीज, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। आपकी टीम के लिए सोचिए, आपकी टीम में कितने डायमंड बनेंगे, आपकी टीम में कितने डबल डायमंड बनेंगे, आपकी टीम में कितने ब्लू डायमंड, कितने ब्लैक डायमंड, कितने क्राउन डायमंड, कितने क्राउन एम्बेसडर, आपकी टीम में कितने डायमंड बनेंगे उसके ऊपर आपकी कामयाबी डिपेंड है दोस्त। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आपके अकेले का बिजनेस नहीं है, इसलिए आप अपने बारे में कभी मत सोचिए। मैं सोचता हूं कि डॉक्टर नेचर में हजारों लोग हो जाए, लाखों का पे आउट लेने वाले, अरे बाप रे बाप कितना बड़ा फंड मिलेगा, आप अंदाजा लगाइए करोड़ों में चले जाएंगे आप। तो ये बिजनेस खुद की सोच का है ही नहीं दोस्त, ये बिजनेस तो कर भला तो हो भला की सोच वाला बिजनेस है। तो आज के बाद आप अपने लिए मत सोचिए, आज के बाद आपकी टीम में लोग कैसे पैसा कमाएंगे उसके लिए सोचिए। आप अगर 6 लाख पे हैं, 2 लाख पे हैं, तो आपकी टीम में 2 लाख कमाने वाले 50 लोग कैसा पैदा होंगे उस पे सोचिए। बहुत बड़ी बात है, आपको नजर नहीं आ रही है, आज के बाद अपने लिए मत सोचिए। मैं ये जो भाग रहा हूं ना, ये मेरे लिए नहीं भाग रहा हूं, मेरे लीडर लोग लाखों रुपया कमाएंगे तो कितना बड़ा कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होगा और वो फंड के तौर पे मिलेगा। क्या बात है, कितना अच्छा कर्म है, ये रिबाउंड होके आपको मिलेगा। आप उधर मारोगे तो आपके पास आएगा, आप डायमंड बनाओगे तो डायमंड का फंड आपके पास आएगा, आप डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राइम डायमंड, क्या बात है दोस्त। इसके लिए प्लीज आज के बाद ये मत सोचो कि नहीं यार मेरा क्या होगा, मुझे वो देखना है, आपकी टीम का क्या होगा आप इसको देखिए, आपका तो अपने आप हो जाएगा दोस्त। तो आज के बाद लाइफ चेंजिंग पीपल, नेटवर्कर लीडर कौन होता है, तो लोगों की लाइफ बदलने वाला लीडर होता है। और आम आदमी क्या होता है, आम नेटवर्कर क्या बोलता है, बस अपना हो गया ना, अपना काम बनता तो भाड़ में जनता। तो भैया ये तो इस धंधे के खिलाफ है, यहां तो ये होना चाहिए कि अपना काम बनता तो जनता का काम बनता तो अपना काम बनता, इस चीज पे बिलीव कीजिए। नेक्स्ट ध्यान रखिए, आप खुद की सोच को बदल दीजिए, खुद के लिए कुछ मत करिए, ये टीम वर्क है, टीम के लिए काम करोगे तो होगा। डायरेक्शंस, दिशा, एक नॉर्मल नेटवर्कर दिशाहीन होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, वो होता है अच्छा अच्छा ये करता हूँ, ओ नहीं नहीं सर मैं ये कर लेता हूँ, अरे सर अरे हाँ मैं वो कर लेता हूँ सर, कोई दिशा मतलब दिशा ही नहीं है उसके पास, डायरेक्शन ही नहीं है, दिशाहीन। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा हाईवे के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कुत्तों के होते, हाईवे पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो है, मरा हुआ आदमी दिखेगा, सॉरी मरा हुआ कोई दिखेगा तो वो आपको कुत्ता दिखेगा। इसका छोटा सा कारण है, कुत्ता जब हाईवे पार कर रहा होता ना तो आधे रास्ते पे आते आते कुत्ता खड़ा हो जाता है, कुत्ता खड़ा होके सोचता है इधर जाऊं कि उधर जाऊं, देख रहा है इधर से कार आ रही है उधर से कार आ रही है, अरे बापरे वापस जाऊं आगे जाऊं वापस जाऊं आगे जाऊं, फट
उड़ा दिया, दिशाहीन। लेकिन आपको दिशाहीन नहीं होना है दोस्त, आपको गाइड फॉर सोसाइटी, आप समाज को दिशा देने वाले बनने वाले हैं। तो आपको अपने आप में लीडर का गुण पैदा करना है। तो आप कैसे, पहले तो आप दिशा तय कीजिए, फिर आप लोगों को उस दिशा में लेके जाइए। हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो आजादी के मतवाले थे, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने पहले दिशा तय की कि ऐसे चलेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। फिर उन्होंने भारत की जनता को रास्ता दिखाया। आज तिवारी सर को पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो लोगों को बीमारियों से मुक्त करूंगा, मैं ऐसा करूंगा इस नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के जरिए मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा। ये है दिशा। और नहीं तो कई कंपनियों में हमने देखा है, मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखा है मैंने, हर 6 महीने में प्लान बदल दिया, हर 9 महीने में प्लान बदल दिया, हर 12 महीने में प्लान बदल दिया। ये नहीं तो वो कर लो, ये नहीं तो वो कर लो। यहाँ सब कुछ फिट है, यहाँ दिशा फिक्स है दोस्त कि हमारी ये दिशा है। तो आज के बाद आपको दिशाहीन होने का काम ही नहीं करना, इधर उधर ताका झांकी बंद करो, आपको अपना काम करना है, आपका लक्ष्य तय होना चाहिए। तो आपको दिशाहीन नहीं रहना है, नहीं तो हाईवे पे जैसे कुत्ता मारा जाता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कई लीडर लोग, कई कंपनियां उड़ा देगी और आपके अंदर का नेटवर्कर मर जाएगा मेरे भाई। तो इसके लिए नॉर्मल नेटवर्कर से अगर आपको लीडर बनना है तो आपको दिशा को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, न बढ़ता है न बढ़ने देता है, थोड़ा वापस आइए एक मिनट, न बढ़ता है न बढ़ने देता है। कई ऐसे लीडर हैं, देखिए मेरे मुझे लगता है ये मैं कैमरा ऑन करके बताऊंगा तो आपको मजा आएगा। मैं दिख रहा हूँ ब्रजेश जी, प्लीज। हेलो, मैं दिख रहा हूँ? दिख रहा है। ओके, थैंक यू। देखिए, न बढ़ता है न बढ़ने देता है, ये वो ऐसे नेटवर्कर हैं जिनको लोग बोलते हैं न मरता है न चारपाई छोड़ता है। दोस्त बुरा मत मानना मेरे भाई, मैं आप भला चाहता हूं, इसके लिए मन की बात कह रहा हूं। कई ऐसे हैं हमारे बीच में जो गोल्ड बन गए हैं, दो दो साल से गोल्ड ही बने हुए हैं। अरे भैया, गोल्ड रैंक पे दो दो साल तक बैठे रहोगे तो पाइल्स हो जाएगा मेरे भाई, तेरी गोल्ड की रैंक को पाइल्स हो जाएगा। अरे बाबा रूबी बन तू बाबा डायमंड बन। कई जो है वो ब्रॉन्ज बने हुए हैं तो ब्रॉन्ज ही बने हुए हैं, 2.5 साल होने को आ गया ब्रॉन्ज बने। अरे मेरे बाबा, तेरी ब्रॉन्ज की रैंक को पाइल्स हो गया, अरे उसका तो इलाज नहीं है हमारे पास, हमारे पास वो वाले पाइल्स का इलाज है, तेरी ब्रॉन्ज की रैंक को जो पाइल्स हो गया, जो तुमने खुद लगाया है। मत कर रहे मेरे भाई, अपनी रैंक को बल मेरे भाई, मेरे मोहन प्यारे, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में अपनी रैंक को बदलो। बदलाव अच्छा लगता है दोस्त, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, न बढ़ता है न बढ़ने देता वाली पोजीशन पे नहीं आना है। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर मैं तो बहुत खुश हूं। अरे तू क्या खुश है, टीम को पूछना, टीम खुश है क्या? ये वहम है, टीम खुश नहीं है, क्योंकि न बढ़ रहा है न बढ़ने दे रहा है। आपकी टीम कैसे आगे बढ़ेगी, उसके लिए आपको भी इंस्पायर टू मूव फॉरवर्ड्स, आप अपनी टीम को मोटिवेट कीजिए, आपको आगे कैसे बढ़ना है। आप उसको बोलिए यस बच्चे, आई एम विद यू, मेरी कंपनी, मेरी पूरी टीम तुम्हारे साथ है, तो आगे बढ़। तो प्लीज, अगर आपको लीडर बनना है तो आप आगे बढ़ना सीखिए और अपनी टीम आगे बढ़ाना सिखाइए। नेक्स्ट, ओके, यस, नो चेंजेस इन हैबिट्स। कई लोग ऐसे हैं जिनमें कोई सुधार नहीं है भाई, वही पुरानी हैबिट लिए हुए बैठे हैं। अरे परिवर्तन संसार का नियम है मेरे भाई, अगर आप आप में अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाओगे तो एक दिन आदतें आपका बदलाव बहाव में कर देगी, बहाव यानी बहा के ले जाएगी। लर्न गुड हैबिट्स ऑल द टाइम्स, आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है। आप अच्छी चीजें सीखने के लिए बच्चे को ऑब्जर्व करिए, उसमें कई बातें अच्छी होती है, जैसे बच्चा बहुत उत्सुक होता है ये कैसे होगा, ये क्या होगा, बच्चा एनर्जी से भरा हुआ रहता है, बच्चे के मन में कुछ नहीं होता, आप डांट दीजिए वो 2 मिनट नाराज रहेगा, फिर वो वापस वैसा ही हो जाएगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एनी टाइम सीख पड़ेगा। बचन साहब का केबीसी में एक प्रोग्राम आता है, केबीसी एक 12वां या 13वां केबीसी था, उसका स्लोगन था सीखना बंद तो जीतना बंद। तो अगर आपने अपनी आदतों में बदलाव नहीं किया तो आपकी वो आदतें एक दिन आपका बहाव कर देगी। तो प्लीज, आप लर्न गुड हैबिट्स ऑल द टाइम, आपको हर वक्त कुछ न कुछ अच्छी आदतें सीखती रहनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता, लेकिन आपको समाज को देखते हुए, अच्छे लोगों को देखते हुए अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, तो ही आप लीडर कहलाओगे। एमलेस, लक्ष्यहीन, कोई किसी का लक्ष्य नहीं है। किसी को पूछते हैं तुमको क्या करना है, डॉक्टर नेचर में आके तुम भाई क्या लक्ष्य क्या है, तो वो सामने से पूछता है लक्ष्य ये क्या होता है, समझ में आ जाता है। आपका लक्ष्य तय होना चाहिए कि मुझे इतने में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है,
इतने समय में क्राउन एम्बेसडर बनना है, इतने समय में डायमंड बनना है, इतने समय में इतने डायमंड निकालने हैं। अगर आपने अपना दिशा निर्देशन सही नहीं किया तो दोस्त आपके सपने खराब हो जाएंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जो सोच के आएंगे वो कभी नहीं मिलेगा। तो प्लीज आपको एमलेस होना है, आपका एम होना चाहिए, आपको प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स टारगेट, आपको हर वक्त अपने अपने टारगेट की तरफ आगे कैसे बढ़े उस पे काम होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने सोचा हुआ है कि 4 डायमंड, उसके नीचे 16 डायमंड, उसके डाउन में 64 डायमंड, तब क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो आपका फिक्स होना चाहिए कि ये मेरे 4 डायमंड है फ्यूचर के, नोट करके रख लीजिए, उन पे फोकस कीजिए। वो जब डायमंड बन जाए तो उनके नीचे 16 कौन लोग हैं जिनको आपको डायमंड निकालना है, उन पे फोकस कीजिए। उन 16 और 4 को लेके नीचे के 64 लोगों पे टूट पड़िए कि भैया डायमंड निकालना है तुमको, हम तेरे साथ है, इतने लोग साथ हैं। ऐसा करोगे तो ही आप क्राउन प्रेसिडेंट का तमगा हासिल कर पाओगे, नहीं तो ये सपना का धरा रह जाएगा दोस्त। तो आपको प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स टारगेट, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। एक खूबसूरत लाइन मैं आपको सुनाता हूं, कोई भी लक्ष्य, लक्ष्य एक शब्द है, एम टारगेट, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्त याद रखना, लड़ना पड़ेगा तो आपको लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य ऐसे नहीं मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सामान्य नेटवर्कर और लीडर के बीच क्या अंतर है। प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम, समस्या में समस्या ढूंढता है बंदा, बोलता है अरे सर क्या करूं, एक्चुअली क्या है मैं घर से निकला था तो सर ऐसा हो गया, फिर जब ऐसा हुआ ना सर तो वैसा भी हो गया। अरे जब ऐसा हुआ है बावले तो वैसा तो पक्का होगा रे, कंफर्म है, ऐसा और वैसा भाई भाई है। तो जिसका ऐसा उसका वैसा, नहीं तो क्या होता है मालूम है, लीडर क्या बोलता है मालूम है। मैं एक सेंटेंस आपको सुनाने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको कोई समस्या नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको कोई समस्या नहीं, और इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। तो अगर आप समस्या का रोना करोगे ना दोस्त, तो आप समस्या में डूबे रह जाओगे। समस्या में समस्या, समस्या में समस्या, समस्या में समस्या, समस्या में समस्या, एक दिन अमावस्या और जय हो। और यहां आप बोलो अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, आपको क्या लगता है तिवारी सर को समस्या नहीं होगी, लेकिन वो हम तक आने देते हैं। वो क्या लगता है हमको समस्याएं नहीं होगी, लेकिन हम क्या डाउनलाइन में हैं, बोलते हैं समस्या हर एक को है। याद रखना दोस्त, समस्या तो बनी ही आने के लिए है, जिसका नाम ही समस्या है वो आने के लिए बनी है। आपकी कैपेसिटी है आप उस समस्या से लड़ाई कैसे लड़ते हैं। आपने अगर उस समस्या से उसका समाधान ढूंढ लिया, लड़ाई का मतलब उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया, तो आपको लीडर बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लीडर वही होता है जो समस्या, जो सॉल्यूशन ढूंढता है समस्या में, उसका समाधान कैसे हो वो लीडर होता है। लास्ट एक सेकेंड एगो, एक सेकेंड बहुत होता है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो प्लीज एक नॉर्मल नेटवर्कर जो है ना वो समय को वेस्टेज कर देता है। प्लान दिखाना है 2 बजे, पहुंचेगा 8 बजे, अरे बाप रे 8 घंटे की देरी, 1 सेकंड में पासा पलट जाता है दोस्त। 1 सेकंड आपको बहुत कुछ दे देगा। इसके लिए आप अगर डॉक्टर नेचर में आए हैं तो आपका एक एक सेकंड कीमती है दोस्त, एक एक सेकंड कीमती है। हर वक्त आपको डॉक्टर नेचर को जीना पड़ेगा, तो ही डॉक्टर नेचर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं आज कई लोगों को बोलता हूं सर आने वाले 5 साल में हम हिंदुस्तान में बवाल खड़ा कर देंगे, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। तो मेरे भाई आप जो जुड़े हुए लोग हैं आज इस मीटिंग में, जितने भी लोग हैं, अपना एक एक क्षण का उपयोग कीजिए। जिंदगी खत्म होती जा रही है, इस एक एक क्षण को आप कन्वर्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है, उसको वेस्टेज मत जाने दीजिए। नेक्स्ट लास्ट चलते हैं, Yes, carry off circumstances, परिस्थितियों को कैसे आप टैकल करते हैं। Yes, finding opportunity in a bad situation, बहुत शानदार आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं मैं। परिस्थितियां तो खराब हैं, कई लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, बहुत शानदार वीडियो है। लीडर कौन होता है जो परिस्थितियों में अवसर ढूंढता है, और साधारण नेटवर्कर परिस्थितियों का रोना रोता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन लीडर कौन होता है, आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। प्लीज
सर हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस ऑलरेडी हैं, और जब ये प्रॉब्लम आई और सैनिटाइजर की मार्केट में जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मुझे लगा कि इस फील्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास फिलहाल इमीडिएटली करने के लिए इतने लेबर्स की व्यवस्था नहीं थी, वर्कर्स नहीं थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग इमीडिएटली चाहिए थे, हमारी फैक्ट्री शट डाउन मोड पर है अभी। तो हमने मुझे एक आइडिया, और मैंने DGP साहब से कॉन्टैक्ट किया कि इस तरीके से हम लोग क्यों नहीं सैनिटाइजर बनाए, क्योंकि मुझे मालूम है जेल के पास काफ़ी लोग हैं। तो सर को इमीडिएटली आइडिया पसंद आया, इसने कहा कि ठीक है हम लोग कर सकते हैं। तो हमने फिर, क्योंकि जेल में कैदी हैं, ये ओपन जेल है जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, कैदी रहते हैं 350 के आसपास, और उनको भी रोजगार की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाहर ये लोग वर्क करने जाते थे, फिलहाल उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ज़्यादातर लोगों के अपना जीवन यापन करने की प्रॉब्लम है। तो ये प्रोसेस इसीलिए स्टार्ट किया गया कि एक तो सैनिटाइजर अवेलेबल करा सके हम गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, जो फोर्स पुलिस फोर्स है या जो जवान जो काम कर रहे हैं उन लोगों को एटलीस्ट सैनिटाइजर मिल सके एक रीजनेबल प्राइस पे, और दूसरा इन लोगों को रोजगार मिल सके, ये हमारा पर्पस है यहाँ पे। टोटल कितने कैदी आपके साथ काम कर रहे हैं सैनिटाइजर बनाने में? अभी फिलहाल हम लोग 10 से 15, जैसे हम लोग कल से 15 करेंगे, तो 4-5 शिफ्ट में हम लोग कर रहे हैं, लगातार 4-4 घंटे की हम लोग शिफ्ट चला रहे हैं। तो इस तरीके से 40 से 50 लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। और रोजगार की क्या पर डे के? सर फिलहाल हम लोग 4 घंटे की शिफ्ट ट्रेन को 200 रुपये दे रहे हैं। और सैनिटाइजर बनाने का ऑर्डर ऑल ओवर राजस्थान से आया है या क्या? सर जहाँ जहाँ भी डिमांड है, क्योंकि अभी 2 दिन से ही शुरू हुआ है, तो जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है, जैसे अभी पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ डिमांड आई है, हाई कोर्ट से कुछ डिमांड आई है, तो ये जेल डिपार्टमेंट का एक आशाएं करके एक जो है एक शॉप है, आशाएं द जेल शॉप, तो आशाएं ऑलरेडी ये जो है अपने प्रोडक्ट्स जेल के जो उत्पाद हैं, मास्क भी जेल में बन रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है ये आशाएं के थ्रू ये सेल होगा, जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं आशाएं को ऑर्डर कर दिया जाएगा, और आशाएं हमें ऑर्डर देगी कि आप सप्लाई कर दीजिए, हम उनको इतना सप्लाई। मार्केट में कब से अवेलेबल हो जाएगा अगर आम आदमी खरीदना चाहे तो? सर आशाएं स्टोर से तो कल से भी लिया जा सकता है, कल सुबह से वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्या? सर अभी ऑनलाइन नहीं है, आशाएं हैं, बाकी जो हम लोग यहाँ की डिमांड जो गवर्नमेंट की डिमांड है वो थोड़ा सप्लाई होने के बाद हम जनरल मार्केट में भी हम लोग सेल करते हैं। टेक्निकली बात करते हैं, कितना परसेंटेज आप लोग अल्कोहल इसमें? अभी सर हमारे पास 2 प्रकार के सैनिटाइजर्स हमने अप्रूवल लिए हैं, एक तो 60% अल्कोहल के साथ में IP आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और एक 70% के साथ में, दोनों ही हम लोग बनाए। तो इनकी मार्केट कॉस्ट क्या रहेगी? इनका 50 रुपीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने या शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो डिक्लेयर किया है 50 रुपीज़ 100 ml का, उसी पे हम लोग से। सर ये अच्छा अवसर मिला है हमें कि क्या नाम हमारे खर्चा भी मिल रहा है और देश की सेवा के काम में आ रहे, जनता इतनी परेशान हो रही है देश की, तो उनके हम काम आ सके। जेल में भी हमें शिक्षा दी गई है कि जितना हो जितना देश के काम आए, या कोई भी परिस्थितियों में कोई बिगड़ी हुई परिस्थितियों में हम काम आ सके ना, तो बहुत अच्छी बात है हमारे जीवन के लिए। हमको अच्छा लग रहा है, हमारे को रोजगार मिला और देश सेवा में काम भी कर रहे हैं। हमको शिक्षा दी गई थी भाई, अगर कहीं भी मिले मौका तो सेवा का मौका मिला हमारे को। थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू दोस्तों। चाहता हूं एक देखिए, कोरोना काल छोटी सी बीमारी थी, है ना, एकदम छोटी सी बीमारी। एक बार मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, मुझसे कई लोग गले मिले, तो मैंने कहा स्टेज पे, मैंने कहा गले कौन कौन मिला, तो कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मुझे कोरोना है, सुनते ही सब लोगों ने हाथ नीचे कर लिया। अब क्या है, कोरोना घुस गया है तेरे में। तो अब आपको मैं जो बताना चाहता हूँ दोस्त, ब्रिजेश जी वो पॉइंट वापस ले आइए प्लीज। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया बंद थी, सब घर बंद थे, आप भी बंद थे। मैं वो आपको वो जो बुरी सपना था उसको याद नहीं दिलाना चाहता। सब बंद थे, सारे बिजनेस बंद पड़े थे, लेकिन सब लोग रोना रो रहे थे, अरे कोरोना आ गया, क्या करें क्या करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में लीडर कौन होता है, मैं बताना चाहता हूं। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी के दिमाग में एक बात आई कि दुनिया को सैनिटाइजर देना है, रोजगार देना है, तो जेल में कॉन्टेक्ट किया, जेल के DGP से कॉन्टेक्ट किया, DGP जी से बात करके कैदियों से सैनिटाइजर बनाया और पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किया। क्या बात है दोस्त, ये होता है। एक आम आदमी खराब परिस्थितियों का रोना रोता है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया रे, अरे मैं क्या करूं रे, मेरा ऐसा हो गया, और लीडर जो है वो कहता है कि साला खराब परिस्थितियों में ये है, इस तो बोलते हैं खराब परिस्थितियों में अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना। ये जो अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया ना, ये खराब परिस्थितियों, कोरोना जैसी महाकाल बीमारी में जिसने करोड़ों लोगों को
लील लिया, करोड़ों लोगों का जीवन खत्म हो गया। उस महाबीमारी के अंदर तारा प्रकाश तिवारी जी के दिमाग में आया कि यार कैदी लोग हैं, मिलेंगे कहां, सब तो घरों में बंद है, तो चलो जेल में डीजीपी जी से बात करके कैदियों से सैनिटाइजर बना के पूरे हिंदुस्तान की सेवा की। और कैदी लोग क्या बोल रहे हैं आपके सामने कि हमको रोजगार भी मिल रहा है। ये होता है लीडरशिप क्वालिटी। तो आज के बाद इस वीडियो को अपने जहन में रखना दोस्त, परिस्थितियों का रोना मत रोना, इन परिस्थितियों को अवसर में कैसे बदला जाता है उसी का सोच रखना, तो आप लीडर कहलाओगे, नहीं तो आप लीडर कहलाने के हकदार नहीं हो मेरी नजर में। यस, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, मैं कई जगह काम मांगने गया तो मैंने डायरेक्टर के सामने अपने फोटो रखे, तो उसने कहा यार तुम तो नॉर्मल आदमी हो, तो मैंने कहा नहीं सर मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं पांव से लंगड़ा के चलता हूं, ये मेरी पॉजिटिविटी है, मेरी विशेषता है सर, आपको सब लोग नॉर्मल मिलेंगे लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। ये होता है, मुझे रोल मिलना शुरू हो गया। तो दोस्त आपकी नेगेटिविटी को आप कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हो, आप खराब परिस्थितियों को कैसे अच्छी परिस्थिति में बदलते हो, खिलाड़ी तो वही होता है, लीडर तो वही होता है, नहीं तो मेरी नजर में लीडर नहीं होता है, वो एक आम आदमी होता है, एक नॉर्मल नेटवर्कर होता है। गॉट ए चांस लेट, अरे कई लोग कहते हैं सर हमको बहुत देर से मौका मिला, अरे मौका तो मिला मेरे बावले, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलता ही नहीं है, और मौका मिलता है तो मौके को शक की नजर से देखते हैं, अरे अच्छा नहीं नहीं यार है, अरे क्या रे बावला तुझे मौका मिला है, चौका मार तू। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा लीडर वो होता है जो मौके को कन्वर्ट करता है, और एक नॉर्मल नेटवर्कर जो है मौके को शक की नजर से देखता है। इसके लिए मेरी नजर में लीडर वो होता है जो मौके को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है कि यस ये मौका मुझे मिला है, जैसे आज मुझे ये सेशन लेना था, ये मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है दोस्त। तो आप आज के बाद प्लीज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, मौके को शक की नजर से कभी मत देखना। डॉक्टर नेचर आपको मौका मिला है, आपकी पिछली जिंदगी के पुण्य थे कि आपको डॉक्टर नेचर जैसी कंपनी मिली, इसमें काम करने का मौका मिला, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं दोस्त। तो इसको शक की नजर से मत देखो, टूट पड़ो, क्योंकि जो काम करना था वो 3 साल में हो चुका है, अब बस आपको हाईवे बना हुआ है, उस पर अपनी गाड़ी चलानी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस, नो रिस्क, क्या बात है, एक नॉर्मल नेटवर्कर कभी रिस्क नहीं लेगा, अरे नहीं सर सर बस आज इतना ही सर, ये नेटवर्कर लीडर कौन होता है जो रिस्क लेता है। याद रख लेना दोस्त, अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप अगर रिस्क लोगे तो सोचोगे यार ऐसा अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, भाई मुझे यार ये करना पड़ेगा, वो चीज आपको बहुत बड़ी पोजीशन देगी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूं मेरे भाई, मैं जब शकुनी का रोल कर रहा था तो मुझे एक कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से एक बड़े विलेन का ऑफर आया, बड़े रोल का ऑफर आया, लेकिन मैं गरीब घर से बिलोंग करता था, मेरी घर मकान जो है मेरा ईएमआई पे था, मैं गाड़ी ईएमआई पे थी, मेरी पूरी जिंदगी ईएमआई पे थी, तो मैं रिस्क नहीं ले पाया, मैं डर गया, मुझे लगा यार मैं रामानंद सागर के यहाँ काम कर रहा हूँ, जो पैसा मुझे मिल रहा है अगर इतना नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा। मैं आज गारंटी करता हूँ दोस्त, अगर उस सीरियल में मैंने रिस्क ले लिया होता, एकता कपूर का बुलावा आया मुझे, तो मैंने रामानंद सागर साहब से कहा, मैंने कहा सर मैं एकता कपूर के यहाँ काम करना चाहता हूँ, 15 दिन आपके काम करूंगा, 15 दिन एकता कपूर के यहाँ काम करूंगा, तो रामानंद सागर साहब ने कहा नहीं नहीं या तो तू मेरे यहाँ रोल कर या उसके यहाँ चला जा, लेकिन जाने से पहले सुन ले, वो नहीं है, पता नहीं उसका प्रोडक्शन हाउस कितना चलेगा, लेकिन सागर आर्ट्स मेरा बढ़िया बैनर है, पुराना बैनर है, और जब तक मैं रहूंगा तब तक सागर आर्ट्स जिंदा रहेगा, और जब तक सागर आर्ट्स रहेगा तब तक तुझे रोल मिलता रहेगा। दोस्त उस छोटी सी बात से मैंने रिस्क नहीं ली, मैं गारंटी करता हूं अगर मैंने उस दिन रिस्क ले ली होती तो मैं आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टरों में शुमार हो जाता, मैंने डर के मारे रिस्क नहीं ली। इसलिए अगर जहां रिस्क नहीं तो आप अगर रिस्क लेना सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। रिस्क किस बात की मैं बताऊं, आप बोल दो अपने घर में मैं फला तारीख को डायमंड बनूंगा, ये रिस्क है। अब आपको घर वाले बोलेंगे क्यों जा नहीं रहे हो, डायमंड नहीं बनना है। बीवी बोलेगी ए जी का हो डायमंड का सपना कोनो मिट्टी में दफन कर दिए हो का, ये बता दो कि यस मैं डायमंड बनने वाला हूं, मैं फला तारीख को ये लेने वाला हूं। वो रिस्क आप लेना सीखिए, आप
अगर आपको लगता है, मैं गारंटी करता हूं इस फार्मूले को अपना के देखिए, लीडर वो होता है जो रिस्क लेता है और लोगों को रिस्क लेना सिखाता है। रिस्क का मतलब घाटा नहीं होता है, रिस्क का मतलब आपके नॉलेज में बढ़ावा भी होता है, आपको ज्ञान का आपको आगे भंडार मिलता है। रिस्क तो रिस्क करोगे तो आपको आपकी कंपनी इश्क करेगी। ओके, हैज एन ईगो, अरे बाप रे, ईगो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे बहुत आता है, ये कौन होता मुझे सिखाने वाला। कई लोग सोचते हैं यार हमको तो नेटवर्किंग सब आता, कहीं मैं प्लान दिखाता हूँ, एक बंदे को मैं आज प्लान दिखा रहा था, मैंने जैसे जैसे ही बोला उसको ये टीम बिल्डर, ओके ओके ओके, ये डायरेक्टर फंड, ओके ओके सब, ये ब्रांच, हाँ हाँ मैं जानता हूँ ये, हाँ मैं जानता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने फाइल और पेन उसके सामने रख दिया, मैंने कहा बताओ, मैंने कहा बताओ ना, अरे सर अब जय, अरे मैंने कहा यार क्यों क्यों ईगो पाल रखा है तुमने, इतनी कंपनियां की है, इतने बड़े अचीवर हो, अरे ये नया है, अभी सचिन तेंदुलकर फुटबॉल के मैदान में उतरेगा बोल देगा, विराट कोहली फुटबॉल के मैदान में उतरेगा बोल देगा, मैं तो क्रिकेट का शहंशाह हूं, किंग हूं, अरे फुटबॉल का खिलाड़ी तुझे हाथ भी नहीं लगाने देगा मेरे भाई। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं तो आप कुछ नहीं जानते, आपको जहां से सीखने का मौका मिला आप सीखिए प्लीज, इसके लिए ईगो मत रखिए। मुझे वो कौन होता सिखाने वाला, क्यों नहीं सिखा सकता, एक बच्चा भी आपको सिखा सकता है। तो प्लीज आज के बाद ईगो नाम की चीज को निकाल दीजिए, किल योर ईगो, बी हम्बल, ऐसे हो जाइए, यही जीवन की सच्चाई है दोस्त। जो ऐसे रहेगा, जितना वृक्ष को देखो जितना फल लगे रहते हैं उतना झुका रहता है, कहता है तोड़ के ले जाओ मेरे भाई, अगले साल फिर आने वाले हैं, तोड़ के ले जाओगे तो ही अगले साल आएंगे। हम्बल, आप हम्बल हो जाइए, क्योंकि ये बिजनेस जो है प्यार से बात करने का बिजनेस है, प्यार दो प्यार लो। आप हम्बल होके बात करेंगे आपको 100% आपकी टीम बहुत प्यार करेगी। तो अगर अच्छा लीडर बनना है तो हम्बल होके बात कीजिए, ईगो को हटा दीजिए। नेक्स्ट, ये शायद लास्ट स्लाइड थी। ओके, तो दोस्त मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको लीडर बनना है, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए मेरी नजर में, हो सकता है आपके पास भी कुछ पॉइंट हो, आप मेरे इन पॉइंट्स पे जरूर विचार कीजिए, और आप क्या इस कैटेगरी में आते हैं, क्या आप में ये सारे गुण हैं, अगर हैं तो आप लीडर बनने के प्रोसेस में हैं। और लीडर रातों रात कोई नहीं बनता है, लीडर बनने के लिए घिसना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। मेरा एक खूबसूरत शेर है, बस वो शेर नजर करके मैं हमारे इंस्पेक्टर तिवारी सर को आमंत्रित करूंगा कि दोस्त छोटी सी एक कहानी है, छोटी सी एक बात है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, बड़ा फेवरेट शेर है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने चिड़िया से पूछा कैसे बनाया तूने घोंसला, तो उसने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग, डेली 2-4, 10-20 लोगों से मिलना, प्लान दिखाना, शो द प्लान, मीटिंग, ये वो ये करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। और इन सब चीजों को अपनाते हुए आप डॉक्टर नेचर में बड़ा करोगे, अगर आप लीडरशिप के गुण अपने आप में पैदा करोगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय तिवारी सर को मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू एज यूजुअल, जबरदस्त, बहुत मजा आया आपके अनोखे अंदाज में, आपने हंसते हंसते लोगों को लीडरशिप के गुण सिखाए। एक्चुअली आप सब लोगों को बता दूं कि जो एक्चुअल में खुद संघर्ष करके लीडरशिप के स्किल्स को डेवलप करके आगे बढ़ते हैं, उनके मुंह से जब सुनते हैं चीजें तो बहुत अच्छी लगती है। जेपी शर्मा जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनके बारे में सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। उनकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल भरी रही है, बचपन से लेके जवानी तक, और बचपन के दिनों में इनको पोलियो होने की वजह से, और एक बहुत ही लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से, अच्छी एजुकेशन और बहुत सारी चीजों से इनको मुश्किलें आई, लेकिन आज जिस मुकाम पे है और बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में अपना जगह बनाया है, बहुत काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच सर, एंड बहुत इंस्पायरिंग है आपकी जिंदगी कहानी, और यही इंस्पिरेशन जो है बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों आज आपने एक छोटी छोटी बातें आपने सीखी कि एक लीडर और एक नॉर्मल इंसान में क्या फर्क है, बहानेबाज में और एक एक्चुअल में काम करने में क्या फर्क है। दोस्तों बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, और अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है हमारा। किस चीज का काउंटडाउन शुरू हो गया है, कोई बता सकता है किस चीज का काउंटडाउन शुरू हो गया है? टिक 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 टिक, एनिवर्सरी की तरफ, एनिवर्सरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 8 सितंबर का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है,
हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, हमारी दिल की धड़कनें जबरदस्त बढ़ रही है, क्योंकि इतना जबरदस्त प्रोग्राम, मेरी जिंदगी सबसे बड़ा प्रोग्राम, डॉक्टर नेचर के 5000 एसोसिएट्स जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट में भयानक होगी, ओवरलोडेड मोटिवेशन होगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज होगी, आप ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ में मिल रहे होंगे, उनके साथ हाथ मिला के फोटो खींच के आपको बड़ा मजा आने वाला है, और साथ ही साथ पूरी डॉक्टर नेचर फैमिली के जो टॉप लीडरशिप है जिनको सब लोगों को एक साथ मिलना लगभग बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे लीडर्स को एक जगह इकट्ठा करना नामुमकिन है। दोस्तों आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो 5-8 सितंबर को मिलने वाली है अगले एक साल तक कम से कम नसीब नहीं होने वाली है। सो एक साल और वेट करना है या 8 सितंबर की इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, अपनी टीम को ले जाके इन बड़े बड़े लीडर्स के सामने इनकी स्टोरीज को सुनाएंगे, इनसे इंस्पायर करवाएंगे, इनसे मोटिवेट करवाएंगे और खुद की बैटरी को जबरदस्त रिचार्ज करेंगे, और कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। इस जूम में आज लगभग हम 500 लोग थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम 500 लोग एक एक इंसान 10-10 लोगों को हम लेके आते हैं, जो व्यक्ति 10 लोगों को लेके पहुंच गया उसकी जिंदगी में बदलाव ना हो, अगली एनिवर्सरी तक डायमंड ना हो, ये इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर 10 सीरियस लोगों को आप अपने साथ में बैठा देंगे, आपका डायमंड होना तय है। लिख लीजिए, आपका डायमंड होना तय है। सो आपकी डायमंड की क्वालिफिकेशन चेंज हो गई, यहाँ पे आपको 1-1 लाख बीवी 3 महीने नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 लोगों को एनिवर्सरी प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। पिछली बार जो एनिवर्सरी प्रोग्राम में गए थे सीरियस लोगों को लेके गए थे, आज वो डॉक्टर नेचर में बहुत बड़े पोजीशन है। पहली एनिवर्सरी में जेपी शर्मा जी बहुत लोगों को लेके गए, अभी ब्लू डायमंड है, आगे आगे देखते जाइए और क्या है, थोड़े दिन बाद आपको पता चली जाएगा। सो ये जबरदस्त ग्रोथ है, ये 6 लाख का पे आउट है, तो अगर आप भी अगले एनिवर्सरी तक 6 लाख का पे आउट लेना चाहते हैं, मंथली, साल का नहीं, कुछ लोग साल का सोच रहे होंगे, मंथली अगर लेना चाहते हैं तो एनिवर्सरी में 10 लोगों को लेके आइए। बिलीव करिए, मेरा ये सब कुछ कहने का जो पर्पज है वो सिर्फ आपका फायदा है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से टीपी तिवारी का पर्सनल जीवन में फायदा इतना ही होने वाला है कि 5000 लोगों को आयुर्वेद के प्रति वफादार बना पाऊंगा, मेरा इतना ही फायदा है। फाइनेंशियली मेरा कोई गेन नहीं होने वाला है, बल्कि कंपनी का लाखों रुपया खर्च होने वाला है इस इवेंट के ऊपर। तो आप समझने की कोशिश करिए, इवेंट किसके लिए किया जा रहा है, इसका बैंड बाजा तो हम सब बजाएंगे लेकिन बारात आप लोग का इंतजार करेगी, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे, आप दूल्हे होंगे, सेहरा आपके सर बंधेगा, बहुत सारे हमारे जबरदस्त लीडर्स हैं, मतलब बहुत सारे डायमंड्स हैं। आप सोच के देखिए कि आपकी अप्लायंस ऐसे डायमंड जब वहां जा रहे होंगे, ऐसा रजवाड़ा शान शौकत के साथ में जबरदस्त तरीके से रावा भी उतरे स्टेज पे जब जाएंगे, क्या नजारा होगा, क्या इमोशंस होंगे, बहुत सारे लोगों के आंसू निकलने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ने वाली है। सो बहुत एंटरटेनिंग भी होगा, म्यूजिक होगा, बहुत सारा धमाल होगा, इंस्पिरेशन होगा, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मेरा कहना बार बार यही है, 8 सितंबर को किसी भी हालत में आना है। बहुत सारे लोग मुंडी हिला रहे हैं कि आएंगे, रिजर्वेशन करा लिया पता नहीं, अपलाइन से पूछेंगे, राइट। सो अपलाइन की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी खुद बदलने की जिम्मेदारी खुद ले लीजिए, क्योंकि आपके बीवी बच्चे आपसे पूछने वाले हैं आज के एक साल के बाद कि तुम्हारा दूसरा साथी, तुम्हारा अपलाइन पिछले साल सिर्फ 10,000 कमा रहा, आज वो 1 लाख कमा रहा है, तुम 10,000 पे क्यों अटके हो, तुम्हारा अपलाइन 1 लाख कमा रहा था आज 10 लाख कमा रहा है, आप तुम 1 लाख पे क्यों अटके हो, ये सवाल आपकी बीवी आपके अपलाइन से नहीं पूछने जाएगी। आपके पड़ोस वाले आपकी बाइक पे एक साल के बाद भी घूम रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अभी तक कार क्यों नहीं आई, ये आपसे पूछने वाले हैं, लेकिन वहां जाने के बाद ये कार की चाबी कैसे आएगी, 1 लाख कैसे आएगा, 10 लाख कैसे आएगा, कैसे डॉक्टर नेचर इंटरनेशनली जा रही है, कब कौन से कंट्री में लॉन्च कर रही है, कौन से धमाकेदार वो 15 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कौन कौन सी चीजें डॉक्टर नेचर में नई होने वाली है जो आपके बिजनेस को बढ़ाएगी, और क्या क्या गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं, ये सब चीजें वहां आने के बाद ही पता चलेगा। और एक शानदार लंच आपको मिलने वाला है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, बहुत सारी मस्ती धमाल होने वाला है। सो आई एम श्योर कि मैं अपना मैसेज आप लोगों को ठीक से कन्वे कर पाया हूं कि हम किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को मिस करने का चांस ले नहीं सकते, राइट। अगर आपने लिया तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी का 1 साल पीछे चले गया। मैं नहीं समझता कि आप लोगों को भगवान ने, ईश्वर ने इतना सद्बुद्धि नहीं दी होगा
कि आप इस प्रोग्राम को मिस करेंगे। आई होप कि आप सब लोगों के पास वो बहुत जबरदस्त जो है ईश्वर ने बुद्धि दी है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ जैसे लीडर्स की पहचान के बारे में बताया, तो लास्ट में कहना चाहता हूँ कि लीडर्स वो होते हैं जिनके पास सारे हथियार मौजूद होते हैं। तो हमारे डॉक्टर नेचर के हथियार हैं, नंबर वन डायरी, राइट। सो ये हाथ में मेरी डायरी है, मैं इसी में जेपी शर्मा जी की ट्रेनिंग के नोट्स ले रहा था। आप लोगों के पास है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, अगर नहीं है तो अपने आप को लीडर कहना बंद कर दो, अपनी आईडी के ऊपर काम करना बंद कर दो, सो जाओ, रिजाइन कर दो, जो करना है कर लीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप इक्विप्ड नहीं है तो आपको बिजनेस करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर असफल लोगों के लिए बहाने बहुत हैं। और मैं चाहता हूं डॉक्टर नेचर में बहानेबाज ना रुकें, आपकी सफलताओं की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ये डायरी 1 करोड़ रुपए की आती है, ऐसा आपको शायद किसी ने गलती से कहा होगा, 1 करोड़ की नहीं आती है। आप प्राइसेस देखिए, बहुत सस्ती आती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरबीआई से कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट की भी जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं है, आप इसको खुद खरीद सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नेचर का एक बैज है, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, बैज नहीं लगा हुआ है और कुछ लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं, कुछ लोग अब तुरंत करने वाले हैं। सो बैज आपके पास नहीं है तो उसको परचेज कर लीजिए। कितने हैं? कम से कम 10 आपके लिए। अगर 10 बैज होंगे ना तो 10 सूट भी हो जाएंगे आपके पास, अगर नहीं है तो हो जाएंगे पक्का, बिलीव मी। आपके पास जितने बैज घर के उतने सूट होंगे, हर सूट के ऊपर एक बैज परमानेंट लगा के रखिए। इसके अलावा हमारे दिगंता जी हैं गुवाहाटी से, वो दो दो बैच लगाते हैं, दो दो बैच लगाने की वजह से वो बहुत जल्दी डायमंड बन रहे हैं। सो मेरा कहना आपको सजेशन है कि आप भी दो बैच लगा सकते हैं, अगर किसी को जल्दी डायमंड बनना है तो। मुझे तो नहीं बनना है इसलिए मैंने एक ही लगाया है, लेकिन फिर भी मैं फ्लाइट में जाता हूं तो कई बार दो दो बैच लगाता हूं, आप भी लगा सकते हैं। और क्या टूल्स हैं डॉक्टर नेचर के? इसके अलावा प्रोडक्ट गाइड, प्रोडक्ट गाइड कुछ लोग कहते हैं किसमें है, हिंदी में? सर हम तो हिंदी में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको इंग्लिश पढ़ने वालों से बिजनेस नहीं करना है, इसका मतलब इंग्लिश पढ़ने वालों से बिजनेस नहीं करना है, ऐसा आप डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इंग्लिश वाला प्रोडक्ट गाइड नहीं है। तो आप अपने पास कम से कम 10-10 हिंदी और इंग्लिश के प्रोडक्ट गाइड रखें, आपके पास में 2-3 डायरी रखें, आपके डाउनलाइन के लिए आपकी पूरी जो 4 टीमें हैं, 4 टीम को आप डिवाइड कर दीजिए, इस डायरी में 4 हिस्से कर लीजिए। जब टीम बड़ी हो जाएगी, एक एक टीम के लिए एक एक डायरी रखना है और एक डायरी आपके नोट्स के लिए रखना है, राइट। सो इस तरीके से आपको 5 डायरी शुरू से रखेंगे तो बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि एक एक टीम का पूरा रिकॉर्ड हर 7 दिन के अंदर पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे, किसका कितना बीवी हुआ है, किसका लॉयल्टी चल रहा है, और कस्टमर्स के बारे में डायरी रख सकते हैं, राइट, कि आपके कौन कौन से कस्टमर है, किस डेट को प्रोडक्ट दिया था, क्या नाम था, क्या क्या प्रॉब्लम थी, मोबाइल अगर खो गया, फॉर्मेट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ डायरी में है। और आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद ये डायरी आपके लिए जबरदस्त ट्रेनिंग का टूल का काम करेगी। अगर किसी के पास 10 साल बाद ये डायरियां होगी तो ये बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग टूल का काम करने वाली है। तो ये रखना है, बैच लेने हैं, प्रोडक्ट गाइड हिंदी इंग्लिश में लेनी है, बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर नॉर्मल व्यक्ति और लीडर में फर्क में, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो मत रखिए, अगर लीडर मानते हैं तो जरूर रखिए। उसके अलावा टी शर्ट डॉक्टर नेचर का बहुत शानदार टी शर्ट है, आप इवनिंग में जाइए, मॉर्निंग में जाइए, वॉक पे जाइए, सब्जी लेने जाइए, कहीं भी जाइए, आप इस टी शर्ट को पहन के जाइए, ब्यूटी पार्लर जाइए, टी शर्ट को पहन के जाइए, हेयर कट करने जा रहे हैं, टी शर्ट को पहन के जाइए, किसी पार्टी में जा रहे हैं, टी शर्ट को पहन के जाइए, उस टी शर्ट को देख के जरूर आपसे एक दो लोग पूछेंगे, राइट। आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, यू विल बिकम अ ब्रांड, यार ये क्या बंदा है, कुछ तो अलग है इसमें, राइट, क्योंकि वो टी शर्ट बिना डॉक्टर नेचर के किसी को नहीं मिलती है, राइट। सो आप पूरी दुनिया की भीड़ से अलग है, ट्रेन में रहेंगे तो अलग है। इसके अलावा बैग डॉक्टर नेचर का, आपको मालूम इतना शानदार बैग है डॉक्टर नेचर के, ज्यादातर एसोसिएट उस बैग का इस्तेमाल करते हैं, विश्वास नहीं होता एनिवर्सरी को देखी जाए, 5,000 बैग साइज दिखाई देंगे आप, 5,000 बैग, ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं ज्यादातर सभी लोग वो बैग लेके आएंगे। इस बैग का खूबसूरती देख देख के लोग ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, सब जगह इसके बारे में जानने वाले हैं, और अगेन आपका एक ब्रांडिंग बनने वाला है। प्राइस लिस्ट के प्रिंट आउट होने चाहिए, कम से कम आपके पास 10 सेट रेडी कंडीशन में, 10 सेट आपके पास रहना चाहिए। उसके अलावा लीफलेट, डॉक्टर नेचर के लीफलेट हैं हिंदी और इंग्लिश में, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर में, वो आप रखिए अपने पास, आप बस में रहते हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में, जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, लोगों को दे सकते हैं अपना नंबर स्टैम्प से वहां पे लगा के, नेम एंड नंबर लगा के। उसके अलावा डॉक्टर नेचर का जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है, लेटर पैड, जिसके ऊपर डॉक्टर पंकज, डॉक्टर रीटा, डॉक्टर राकेश का कॉन्टेक्ट नंबर है, उनकी डिग्रीज हैं, उनके जो डिग्रीज रजिस्ट्रेशन जो मेडिकल काउंसिल से है उसके नंबर वहां लिखे हैं, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और साथ में वहां पे बॉक्स छोड़ा हुआ है, उस बॉक्स में लिखा है योर वेलनेस कोच, आप अपना स्टैम्प से
नेम एंड टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी वहां लगा सकते हैं ताकि लोगों तक ये पहुंचे। तो कितने लोग हैं जिनके पास में है, कितने लोग हैं जिनके पास है? कुछ कहेंगे सर अभी लॉन्च हुआ है, राइट अभी हुआ है, तो कुछ लोगों के पास पहुंच गया है। डॉक्टर नेचर के सारे ऑफिस इंडिया में है, सबके अंदर स्टॉक रखा हुआ है, बिहार में है, लखनऊ में है, सिलीगुड़ी में है, गैंगटॉक में है, मणिपुर में, गुवाहाटी में, सारे हमारे ऑफिस पे अवेलेबल है, तो हमने इतनी जल्दी पहुंचा दिया, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नेचर का बैंक अकाउंट नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए ताकि आपसे कोई भी पूछे तुरंत आप भेज सकते हैं। कुछ लोग अपने जब भी कोई होता है, बहुत सारे नए लोग ज्वाइन करते हैं तो पूछते हैं बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, तो हम लोग कहते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, कहते नहीं सर अपलाइन ने नहीं दिया। अरे अपलाइन के पास नहीं है तो बड़ा दुखी बात है, जिसमें पैसा आएगा, जिससे बिजनेस वॉल्यूम आएगा, जिससे चेक आएगा, उस बैंक अकाउंट नंबर का आपके पास नंबर नहीं होना एक बहुत गलत बात है। वेबसाइट पे भी डाला हुआ है नहीं डॉक्टर नेचर का अकाउंट नंबर, तो आप वेबसाइट को भी एक टूल इंपॉर्टेंट है, उस वेबसाइट को ठीक से, 90% लोगों ने डॉक्टर नेचर की वेबसाइट को ठीक से नहीं देखा है, कम से कम 1 घंटा लगेगा आपको वेबसाइट को समझने के लिए, तो 1 घंटा निकालिए या रोज 10-10 मिनट निकाल के पूरी की पूरी वेबसाइट को ढंग से पढ़िए, कहाँ क्या है, नया क्या रहा है, एवरी डे, हर दिन दोपहर में 12 बजे वेबसाइट जरूर चेक करें, क्योंकि एनिवर्सरी का मौका है, नए नए अपडेट लगातार आते रहेंगे, तो कुछ जानकारी आती रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर नेचर के सोशल मीडिया जो चैनल से यूट्यूब चैनल एवरी डे 12-1 बजे जरूर चेक करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लेटेस्ट वीडियो, किसी सेलिब्रिटी का वीडियो, किसी लीडर का वीडियो, कुछ ना कुछ आता रहेगा जो आपको प्रमोशन करने में मदद करेगा। शेयर करिए, लोगों के साथ भेजिए, अपने कॉन्टेक्ट में भेजिए। डॉक्टर नेचर का फेसबुक ऑफिशियल डॉक्टर नेचर के नाम से है, वहां पे आप जाइए, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ जानकारी वहां से मिलती रहेगी, सारे टूल्स हैं। इसके अलावा डॉक्टर नेचर का पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड आप अपने पास रखिए मोबाइल में, ताकि इमीडिएटली किसी को भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नेचर का हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर, आप ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, ये वेबसाइट पे डॉक्टर नेचर के यूट्यूब पे डाला हुआ वीडियो है, उसको अपनी टीम को भेजिए, मैं अक्सर भेजता रहता हूँ, तो आप भेजिए ताकि नए लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनको आप बता सकें कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना होता है, नहीं तो वो कंपनी में आपको फोन करते रहते हैं, कंपनी ने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप इजीली उनको भेज सकते हैं। हाउ टू क्रिएट आईडी, आपका आईडी कैसे लगाना है आपकी टीम को नहीं मालूम है, वो बूढ़े हो जाते हैं, वो ब्रॉन्ज या रूबी तक भी बन जाते हैं, लेकिन वो आपके पास डॉक्यूमेंट भेजते रहते हैं, या अभी आप खुद बूढ़े हो गए होंगे लेकिन आप भी अपने अपलाइन को भेज रहे हैं कि मेरा आईडी लगा दीजिए, आपके आपके बच्चों का नाम कोई और रखेगा, बड़ा बदनसीब इंसान है भाई। सो आप अपने टीम के किस तरीके से आईडी लगाना है, कौन सी टीम में लगाना है, कौन सा लीडर डायनेमिक है, आपको नहीं मालूम है, किस तरीके से प्लेसमेंट करना है आपके अपलाइन को नहीं मालूम है, आप करेंगे राइट। सो आपकी टीम में इस तरीके से आपका ट्री बना के रखें, एक बड़ा शीट आता है A4 साइज से, लगभग 4x5x बड़ा शीट आता है, वो बड़ा शीट ले लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए और अपने जो है पूरी लेग का स्ट्रक्चर बना लीजिए, पूरा ट्री, आपके चार, उसके चार, उनके चार, इस तरीके से पूरा का पूरा जैसे जैसे बढ़ते जाए वो स्ट्रक्चर बना लीजिए, कोई बीच में सो जाता है उसको क्रॉस मार दीजिए, तो पूरा स्ट्रक्चर होगा, हर महीने का एक चार्ट लगेगा, या पेंसिल से आप उनका बिजनेस वॉल्यूम हर 7 दिन में उस चार्ट पे लिखते रहे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने लगातार 4 साल अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर में किया, मेरा इनकम बहुत फास्ट बढ़ा, क्योंकि जिस चीज को आप रोज देखते ना वो बढ़ता है। आप पौधे को देखना शुरू करिए, घर में आपके तुलसी का पौधा है, कोई भी पौधा है, रोज जाके उसके हाथ लगाइए, उसको देखना शुरू करिए, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, एग्रीकल्चर में सिखाया जाता है, अगर आप किसी चीज को लगातार मॉनिटरिंग करते हैं तो उस चीज का ग्रोथ होता है। तो आप एक शीट बनाइए बड़ा सा, उसमें अपना नाम डाल दीजिए, मी, आप ज्यादातर क्या लिखते हैं, यू, मैंने देखा कुछ लोगों का खुद का ट्री में लिखा हुआ यू, अरे भाई यू नहीं, मी, आप अपना लिख रहे हैं, किसी और का नहीं लिख रहे हैं, सो यू की जगह मी लिखिए, और उसके बाद अपने 4 लोगों के नाम लिखिए, उनके नीचे उनके 16 और उनके नीचे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से ज्यादातर लोग 99% ये काम नहीं करके बैठे हैं अभी तक, 99% लोगों के पास अपना चार्ट नहीं है। अगर उनसे पूछूं कि आपका 4th लेग के अंदर जो बंदा है उसके 3rd लेग में कौन है, कितना बीवी है आज तक, आप अपने आप से सवाल पूछिए, मैं शर्त लगाता हूं इस मीटिंग के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि आपका टीम के अंदर पूरा टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना है, विद इन फ्यू सेकंड अगर आप भेजेंगे तो पता चलेगा कि आप रियली डेली चेक करते हैं, और आपकी टीम के 4 लोगों में से 4 लोगों का सेल्फ आईडी पे कितना बीवी है, और उनके नीचे 4 के नीचे 16 थे या 15 थे या 14 है या 12 है, उनका सेल्फ आईडी पे बीवी कितना है, ये आपको एवरी डे बेसिस पे पता होना चाहिए। तो उस चार्ट पे आप लिख सकते हैं, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे अपडेट जरूर करें,
और 25 तारीख होने के बाद एवरी डे अगले 5 दिन एवरी डे इसको आप अपडेट करते जाएं, पेंसिल से लिखते जाएं, फिर इरेज कर दें, नया महीना शुरू होता है फिर से उनका लिखना शुरू करिए, राइट। ऐसा चार्ट आपको बहुत मदद करने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना नॉलेज है अपनी टीम का, तो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है आपकी टीम में, फर्स्ट लेग में आपके जो लीडर है उन्होंने कितना कराया है, सेकेंड लेग में कितने लोगों ने कराया, थर्ड लेग से कितने ने कराया, फोर्थ लेग से कितने ने कराया, आपके 4 लोगों ने कितना कराया, उनके नीचे जो 16 लोगों में से कितनों ने कराया, उनके नीचे 64 लोगों ने कितने कराया, आपकी टोटल टीम ने कितने ने कराया है। टिकट के अलावा, एनिवर्सरी का रजिस्ट्रेशन के अलावा, ट्रेन का टिकट कितने लोगों का हो गया है, कितने बजे पहुंच रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए ना आपकी टीम के लोग हैं कितने बजे पहुंच रहे हैं, आप उनके स्टेशन पर रिसीव करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहां कहां से आ रहे हैं, वो कहां रुकेंगे, कहां सोएंगे, क्या आपको मालूम है? आपको सिर्फ ये मालूम है कि मेरे अप्लाइन का फोन आएगा तो उनको सर मैं कहां रुकूंगा, मैं कहां नहाऊंगा, मैं कहां खाऊंगा, मैं कहां सोऊंगा, राइट। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड मैं चाहती ये सारे प्रॉब्लम से हम बाहर निकल जाएं। दिस इज इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपके जब 10 लाख आएंगे उसमें से आप महीने का 1 लाख रुपए टीपी तिवारी को भेजने वाले नहीं है, आपकी अपलायन को भेजने वाले नहीं है, किसी को देने वाले नहीं है, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड आज के लिए, और एक जबरदस्त हमारा मीटिंग होने वाला है, ऑलरेडी हमारे सारे लीडर्स वेट कर रहे हैं, रूपी डायरेक्टर एंड अबाउ का एक जबरदस्त सेशन होने वाला है। वैसे 9:15 से होने वाला था लेकिन कोई नहीं, 9:30 से लेके रात में 12 बजे तक हम सारे लीडर आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और एनिवर्सरी प्रोग्राम को किस तरीके से जबरदस्त हम बनाने वाले हैं, उन सब तैयारियों के बारे में डिस्कशन करने के लिए रूबी एंड अबाउ हमारी लीडरशिप बात करने वाले हैं। तो जो भी इस मीटिंग में मौजूद रूबी डायरेक्टर एंड अबाउ है उनके पास लिंक आ गया होगा, मैंने सबको शेयर किया है, आपके अपलाइन ने भी शेयर किया है, अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो इमीडिएटली अपने अपलाइन से लिंक ले लीजिए। अभी थोड़ी देर के बाद ही विद इन 1-2 मिनट्स भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूपी में रहने वाले लोग, स्पेशली नजीबाबाद में रहने वाले लोग, आसपास में देहरादून उस एरिया में रहने वाले लोग, मैं आ रहा हूँ 11 तारीख को वहां, बेसिकली तो मैं 10th को ही वहां पहुंच जाऊंगा 10th को इवनिंग में, और 11 तारीख को जबरदस्त प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं नजीबाबाद में, उसके पिक्चर्स, उसके वीडियोस, आप फेसबुक लाइव सारी चीजें आप देखने वाले हैं। लेकिन मैं पहली बार नजीबाबाद जाते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जबरदस्त टीम है, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को लेके मैं भी उत्साहित हूँ। इस प्रोग्राम के बाद नजीबाबाद से बहुत सारे लोग पटना पहुंचने वाले हैं ऐसी मुझे आशा है, और एक बिजनेस में भी बहुत जबरदस्त उछाल आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।